आप लोग मान लेते हैं। हरे अष्टोत्तर सदस्य श्री श्रीमान भक्ति स्वरूप सिद्धार्थ गोस्वामी महाराज जी के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्ण विष्णुपाद अष्टोत्तर सदस्य श्री श्रीमान भक्ति वेदांत श्रीलव नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवी पिता माता भाई बहन सभी को मैं यथाजी को प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्णा। गत कले हम लोग श्रवण कर रहे थे कृष्णा इंद्र पूजा को बंद करवाया, बोले पूजा करना तो हे ब्रजवासियों हमारे जो सामने जो प्रकट देवता श्री गिरिराज बहुत धन्य पूजा, क्योंकि हमें सब कुछ पानी फल मूल श्री गिरिराज से हमें मिलता है और हमारे जो देवता है भैया हमारे देवता है ब्राह्मण हमारे देवता है इनको पूजा करो। इसलिए कृष्णा की बात सुनकर के ब्रजवासियों ने इंद्र पूजा को छोड़ करके श्री गिरिराज गोवर्धन की पूजा की। बोले गिरिराज महाराज की तब यहाँ प्रश्न होता नहीं भगवान कृष्ण इंद्र पूजा क्यों बंद करवाए और उन्होंने श्री गिरिराज जी की पूजा क्यों प्रवर्तन कराए। बोले इसके पीछे हमारे टीकाकारों ने चार कारण बताया, आप लोग भी ध्यान देकर सुनो। आपको मैं पूछूंगा मैं बोलने का बात ठीक है अच्छे तरह से सुनना। पहला कारण है जगत में 33 करोड़ देवता है, अगर एक देवता को मनाना देखना दूसरा देवता मुंह फुला कर बैठा हुआ, दूसरे देवता को मनाओ तीसरा देवता मुंह फुला करके बैठा हुआ, अभी कितने देवता को मनाओ। लेकिन ये जो गिरिराज गोवर्धन ये कौन है ये वाक्य मिला है कृष्ण ही गिरिराज है। इसलिए कहते ना जा पर कृपा हरि की हुई ता पर कृपा करे सब। इसलिए भगवान कृष्ण अपना अंदर में विश्व ब्रह्मांड दिखाया, अर्जुन देव जिसको ब्रह्मा शंकर इंद्र चंद्र वायु वरुण कहते हो ये सबके सब मेरे ही अंदर। इसलिए जब हम भगवान कृष्ण को पूजा कर ली 33 करोड़ देवता हमारी पूजा हो गई है, हमको फिर किसी देवता को पूजा करने का कोई जरूरत नहीं, सबका सम्मान करना इसको असम्मान नहीं करना है। लेकिन हृदय में तो केवल कन्या को बैठा, हृदय में किसको बैठाओगे? इसलिए मीरा कहती है ना मेरे तो गिरिधर गोपाला, ये चीज को समझ लो हमारी हृदय में श्री गिरिधर कन्या ही हमारे सब कुछ है। उदाहरण दिया है जैसे एक पतिव्रता नारी, अभी पतिव्रता नारी किसको कहते हैं जो पति की सेवा और किसी पुरुष को पास नहीं जाती, वो अपना पति को ही परमात्मा मान करके जो पूजा करे उसको पतिव्रता नारी कहते हैं। जो भक्ति है ना ये एक पतिव्रता नारी के धर्म की भक्ति है, ये भक्ति एक पतिव्रता नारी के धर्म है। बात मतलब क्यों बात कर रहे हैं, इसलिए पतिव्रता धर्म पूर्वक अपना भगवान कृष्ण को पूजा करो। लेकिन आप बोलोगे जैसे संसार में देवर भी है जेठ भी है सास है ससुर ननद उसको सम्मान देते कि नहीं, और बताओ देते कि नहीं सम्मान देते हो ना। इसलिए दूसरे देवताओं को सम्मान तो करना लेकिन हृदय में जैसे एक पतिव्रता नारी अपना पति को ही हृदय में बैठा कर रखती है उसी तरह हम भी
भगवान कृष्ण वही अपना हृदय में बैठा करके रखेंगे, सबको आदर देते रहेंगे, ठीक है ना। लेकिन अगर कोई देवता बिगड़ जाएगा, आपको लगेगा इतना दिन से हम इतने इतने देवा देवी को पूजा करते करते आ रहे थे, अगर हम पूजा नहीं करेंगे अगर बिगड़ जाएंगे, आप कहते बोलो कृष्ण की पूजा कर, अगर बिगड़ जाएंगे तो फिर क्या होगा, फिर आनंद हो जाएगा। आप देखो जिस समय इंद्र को क्रोध आया, बोले मैंने मेरी पूजा बंद करा के हैं ये पहाड़ की पूजा करवाए, अभी मैं दिखाता हूँ। उन्हें संबंध तक में और 49 पवन को बुलाया, बोले ऐसे ब्रज में आंधी तूफान और ऐसे आए जैसे ब्रज नाम का कोई गांव नहीं रह जाए, जैसे हाथी के सूंड पे जैसे मूसलधारा से बारिश, ये बड़े बड़े ओले गिरने लग गए, आंधी तूफान ऐसे जैसे प्रलय आ गई। इतने में सबके सब कृष्ण को शरण में गए, बोले प्रभु तुम्हारी बात सुन करके इंद्र पूजा बंद करके, देखो इंद्र क्या नटखट कर रहा है, बोले चिंता क्यों करते हो, हमने गिरिराज जी की पूजा की ना, गिरिराज हमें आश्रय देगा, चलो सारे सामान को लेकर श्री गिरिराज की तलहटी में जाते हैं। जैसे एक छोटा बच्चा एक छतरी को उठा ले, ऐसे ही कृष्ण वाम हाथ में और सबसे कनिष्ठ अंगुल के ऊपर में उन्होंने श्री गिरिराज गोवर्धन को उठा लिया। बोले गिरिराज बाबा की, बोले ब्रजवासियों कोई चिंता मत करो, सबके सब नीचे आ जाओ, कोई चिंता मत करो। और कृष्ण बड़े आनंद पूर्वक उठा करके रखे, मैया यशोदा बारंबार लाला को मक्खन खिलाती जा रही थी, भूख नहीं लग जाए, कृष्ण का हाथ को मालिश कर रही थी, कृष्ण का हाथ में दर्द नहीं हो जाए। इतने में कृष्ण की सखा लोग भी थे, बोले कन्हैया तू कब तक गिरिराज उठाओगे, हाथ में दर्द हो गया होगा, थोड़े से हाथ को नीचे कर ले, हम गिरिराज उठा लेते हैं। कृष्ण ने कहा देखो ये गिरिराज तुमसे टिकेगा नहीं। बोले क्यों, तू क्या अकेला का मैया का दूध पिया, हमने मैया की दूध नहीं पी, हम भी मैया का दूध पिया थे, हाथ नीचे कर दो हमने गिरिराज उठा लेंगे। जब कृष्ण हाथ को नीचा की, धीरे 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 गिरिराज नीचे आने लग गए, और जो डंडा लगा कर रखते ना वे सारे डंडा टूटना शुरू हुई। इतने में सखाओं ने बोले कन्हैया हमसे गिरिराज नहीं टिकेगा, तू ही गिरिराज उठा ले। फिर भगवान कृष्ण गिरिराज उठा लिए। जब कृष्ण गिरिराज को उठा लिए, सखाओं ने पूछे बोले कन्हैया ये बताओ तुमने गिरिराज को उठाया कैसे। बोले मैंने थोड़ी उठाया, बोले किसने, बोले तुम लोगों ने, बोले कैसे, ए बच्चा वहाँ बैठा, कोई आए तो उसको हाथ रख ले। इतने में बोले देखो हमने थोड़ी गिरिराज को उठाया, बोले किसने, बोले जिस समय तुम लोग मेरे को देख रहे थे ना तुम्हारी सारी शक्ति मेरे अंदर में आ रहा था, इसलिए तुम्हारी ताकत ने गिरिराज उठा दिया। बोले कन्हैया हम तो यही सोच रहे थे हम इतने कमजोरी तुम लग रहे थे हैं, और अभी तक तो मक्खन चोरी कर रहा था, अभी हमारी ताकत भी चोरी करना शुरू कर दिया। बोले श्री गिरिराज बाबा की, इसलिए सबके साथ ब्रजवासी गिरिराज के नीचे बड़े आनंद पूर्वक रह रहे थे, और इंद्र ने 7 दिन तक उन्हें मूसलधारा से उन्हें बारिश किया है। जब बारिश की, इतने में श्री शंकर जी अपना भगवान को प्रार्थना की, ठाकुर जी ये ब्रजवासियों को रक्षा करो, कृष्ण अपना सुदर्शन चक्र को भेज दिया, और सुदर्शन चक्र ने करोड़ सूर्य का तेज को प्रकाश करते हुए जो पानी आ रहा था ना वो ऊपर से ऊपर सबका सब सूखते जा रहा था, सबके सब सूखते जा रहा था है, और अनंत देव तो चारी तरफ में गिरिराज की चारी तरफ में एकदम घेर करके बैठ गए, जैसे एक बूंद पानी नहीं टपकनी चाहिए। और राधा रानी गिरिराज को अपना तिरछी नजर से देख रहे थे, गिरिराज खबरदार अगर पीछे आओगे ना तेरे को मैं जला कर तुम्हें राग बना दूंगा। इसलिए कहते ना कच्छ मां करने के बल बढ़ो, कच्छ गोपन ने करी सहाय, और राधा रानी की कृपा से गिरिवर लिए उठारो। बोले राधा रानी की। इतने में सामने इतने में राधा रानी आ गई, अभी राधा जी को देख करके कृष्ण तो नाप, कृष्ण अपने आप को रक्षा नहीं कर पाए, कृष्ण तो कांपने लग गए,
और इतने बड़े गिरिराज हाथ ऊपर में सारे ब्रजवासी नीचे, अगर गिरिराज गिरेगा तो क्या होगा, सबके सब पीट जाएंगे। इतने में सखाओं ने बोले कन्हैया तुम किधर देख रहे हो, तो राधा जी को क्यों देख रहे हो, इधर मत देखा करो, क्योंकि राधा जी के प्रेमी ऐसे हैं, अगर राधा रानी सामने आ जाए तो कृष्ण का मधुर मुकुट गिर जाती है, कृष्ण का वस्त्र गिर जाता है, कृष्ण का भी खुद को खुद गिर जाता है। इसलिए देखना राधा रानी के पास में कृष्ण तीन जगह से टेढ़े, कृष्ण को देख लो राधा रानी के पास में कृष्ण तीन जगह से टेढ़े, बोले क्यों, बोले राधा रानी के प्रेम से ही कृष्ण अपने आप टेढ़ी हो जाती है, अपने आप टेढ़ी आती है। इसलिए राधा जी के प्रेम की इतने महिमा, इतने में क्या किया, राधा रानी के शरीर में गोपियों ने एक कपड़े से ढक दिया, जैसे कृष्ण का नजर राधा के ऊपर में नहीं पड़े। जब सात दिन इंद्र ने मुसलधारा से बारिश किया, सात दिन के बाद में इंद्र ने भेजा एक दूत को, भैया देख करके आओ क्या हो रहा है ब्रज में। एक दूत ने नीचे आए और ऊपर में देख करके गए, बोले महाराज इंद्र यहाँ पर ब्रज में एक चिट्ठी तक भी नहीं, सब खत्म हो गया। उसने और एक को भेजा, भैया तुम देख करके आओ, वो तो ऊपर से देख कर गया था, लेकिन जो बाद में आए और नीचे आए, नीचे आकर के देखा ब्रज में तो होली बच रहा है, माता जी अरे बीच में जो, क्योंकि उधर आ रहे जो पीछे आ रहे पीछे बैठो, अंदर में दूसरे मत दिया करना, जो पीछे आते पीछे बैठो, बाद में आओगे मेरे बीच में बैठो। इसलिए उन्होंने नीचे आकर के देखा ब्रज में धूल उड़ रहा था और ब्रज में बड़े सुंदर में होली गा रहे थे, बोले आज भी अजल में होली आज भी अजल होली रे रसिया, आज भी अजल
इंद्र पद को जिसने प्रदान की थी, बड़ा घबराया।
अमरावती में जब विश्राम करने गया अपना पत्नी सची को साथ में, इतने घबराहट उसको नींद नहीं आई। बोले क्यों? बोले लगता है फिर इंद्रपति चला जाएगा। फिर अपना गुरुजी बृहस्पति को पास में गए। गुरुजी बोले मैं कुछ नहीं कर सकता। बोले फिर बोले चलो ब्रह्मा जी को पास में। जब ब्रह्मा जी को पास में गए बोले तुमने सर्वनाश कर दिया। ये जो कृष्ण ये साधारण देवता नहीं, जितने 33 करोड़ देवता सबके सब इनके चरण में नाक रख रहे हैं। बोले मैंने भी फंस गया था। बोले कैसे? बोले कृष्ण जब अघासुर को वध किया उसको वध को देख करके सारे देवता लोग बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। अभी इनकी चर्चा धीरे धीरे ब्रह्मलोक में पहुंचा। ब्रह्मा के नीचे उतर करके देखा ये अघासुर का जो ज्योति है वो कृष्ण को शरीर में प्रवेश किया। बोले ये कृष्ण कौन है? इतने बड़े दैत्य को उसने मार डाले। उन्हें आके थोड़ी लीला दर्शन करने के लिए कृष्ण अपना ग्वाल बाल को साथ में बैठ करके अपना वन भोजन कर रहे थे। कृष्ण सभी की झूठा खा रहे थे। अभी ब्रह्मा तो चक्कर में पड़ गए। बोले ये कैसे भगवान? इनको को जो झूठा फूटन को पता नहीं है, सबका झूठा खा रहे हैं। थोड़ी सी आगे लीला देखने के लिए कृष्ण के बछड़े को चोरी किया। जब कृष्ण उनको ढूंढने के लिए गए तो इसने में कृष्ण सखाओं को चोरी करके ले गए और एक गुफा में रख दिया। रख करके जब वो गया ब्रह्मलोक में, कृष्ण सब समझ गए ये ब्रह्मा मेरे लीला को समझ नहीं पाया, इसलिए ये कैसे लीला कर रहा है। वो पहुंचने से पहले ब्रह्मा स्वयं, कृष्ण स्वयं ब्रह्मा बन करके पहुंच गए ब्रह्मलोक में। उनका जो तलवार थे बोले दे, मैंने देखा मेरे जैसे कुछ बहु रुपया घूमते हुए, मेरे जैसे कोई आए तो अंदर में घुसने मत देना। कृष्ण स्वयं ब्रह्मा जी के आसन को दखल कर दिया। असली जब ब्रह्मा पहुंचा उसको दरवान जो थे दंड लेकर भगा इसको। बोले तू कहाँ से आ गया? हमारे प्रभु तो अंदर में बैठे हुए। ब्रह्मा तो घबराए, मेरे आसन कौन दखल कर लिया? ध्यान लगा करके देखा भगवान स्वयं मेरे आसन को दखल कर लिए। ब्रह्मा गए और आए इसी मरते जगत में 1 साल हो गया। देखा 1 साल पहले कृष्ण जैसे लीला कर रहे थे प्रभु अभी भी वैसे लीला कर रहे हैं। फिर तो ब्रह्मा चकराए। बोले लगता है वो बछड़े सखाओं को कृष्ण ले आते हैं। जब उन्हें एक तरफ में दोनों साथ में एक तरफ में देखा तो भगवान कृष्ण अपना विभूति अपना ऐश्वर्य दिखाया। जितने बछड़े सखे सबके सब चतुर्भुजधारी नारायण। ब्रह्मा समझ गए ये मेरे बाप का बाप का बाप का भी बाप ये सी कौन है? ये भगवान श्री कृष्णचंद्र। वो हंस वाहन से कूद पड़े और सीधा प्रभु के चरण में लेट गए। अपना आंखों का आंसुओं से उन्होंने भगवान के चरण को अभिषेक की और खड़े होकर के भगवान को स्तुति करते हैं। बोले ईश्वर परम कृष्ण सचिदानंद विग्रह अनादि राधि गोविंद सर्व कारण कारणम। ये पितामह ब्रह्मा कह रहे हैं। पितामह ब्रह्मा कौन है? ये जगत को जो सृष्टि करने वाले वो कह रहे हैं। बोले ये कृष्ण कौन है? जैसे इधर सुन लो, जैसे तुम्हारे घर में लड्डू गोपाल है, लेकिन कभी कभी हम क्या करते हैं ये लड्डू गोपाल को छोड़ करके ना अमुक जगह पर कोई एक बाबा आ गया, अमुक जगह पर कोई एक जादू टोना करने वाले आ गए, अमुक जगह पर कोई एक देवादेवी आ गई, बस घर में कृष्ण बैठे हैं। फिर हम कृष्ण को भक्ति पूजा छोड़ करके इधर उधर हम भटकते रहते हैं। देखो ये ब्रह्मा स्वयं करे, गीता तो पढ़ी नहीं। गीता पढ़ करके देख लेना कृष्ण स्वयं कहते हैं ये जितने सारे 33 करोड़ देवता जब तक मेरे आदेश नहीं हो एक कुटी कौड़ी भी दे नहीं सकते। जैसे शंकर जी, जैसे माँ देवी, जैसे हनुमान जी, जैसे गणेश जी, कृष्ण खुद कहते हैं इनके पास में कुछ भी नहीं है, इनके पास में कुछ नहीं है, कुछ नहीं दे सकते हैं। जब इनको कोई प्रार्थना करते हैं ये मेरे को प्रार्थना करते हैं,
अगर मैं सांसद करता हूँ तो तभी ये दे सकते हैं जैसे मोदी। मोदी कौन है? प्राइम मिनिस्टर। ध्यान देकर सुनो सब, पीछे जो बैठे हो, ये मोदी कौन है? हमारे प्राइम मिनिस्टर है। प्राइम मिनिस्टर, अगर किसी मुख्यमंत्री को अगर कोई चीज बताया जाए ये करने चाहिए, वो मुख्यमंत्री फिर प्राइम मिनिस्टर से बोलता है। अगर वहाँ से कोई आदेश हो तब फिर कोई मुख्यमंत्री कुछ दे सकता है, नहीं तो खुद नहीं दे सकते। इसलिए प्राइम मिनिस्टर कौन है? ये बांके बिहारी, तुम्हारे घर में जो इतने से छोटी लड्डू गोपाल जो बैठे हो, वो देखने के लिए छोटे लगते हैं, बड़े छोटे हो, वो देखने के लिए चुपचाप बैठे हुए है। विश्व ब्रह्मांड, ये ब्रह्मा जी कहते हैं, जस्य प्रभा प्रभवतो जगदंड कोटि, इनकी एक इशारा पर एक ब्रह्मांड नहीं करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड जगत में सृष्टि स्थिति प्रलय हो जाता है। और जितने 33 करोड़ देवता का जो मूल कारण श्री लड्डू गोपाल बांके बिहारी, इसे कृष्ण को छोड़ कर के इधर उधर कोई मत जाइयो, समझ रहे हो? इधर उधर भटकना नहीं। देखो ध्यान देकर सुनो, जब द्रौपदी के अच्छे तरह से दिमाग में बैठा, जब द्रौपदी के वस्त्र हरण हो चुकी थी, एक दिन द्रौपदी कृष्ण से बोले, बोले कृष्ण जब मेरी वस्त्र हरण हो रही थी मैं आपको बड़े देर से पुकार रही थी, आप आने में इतना देर क्यों किया? कृष्ण कहते द्रौपदी तुम सही सही बचा, झूठ मत बताओ, तो क्या सचमुच में मेरे को दीन से पुकार रही थी? बोले दीन से नहीं पुकार रही थी, क्या ऊपर से पुकार रही थी? बोले द्रौपदी झूठ मत कहा करो, झूठ मत कहा करो। जब दुशासन तेरे पास में पहुंचा तेरे को बुलाने के लिए, जुआसन हार गए पंच पांडव, दुशासन बोला द्रौपदी अभी राज रानी नहीं, हमें दासी पकड़ करके ले आओ फिर से वहां। और तेरे जब दुशासन केस पकड़ करके घिसट करके ला रहा था तो मन मन में क्या सोच रही थी? बोले ये मेरा क्या कर लेगा, मेरे पांच पांच पति है, मेरे पांच पांच पति है, मेरे क्या कर लेगा, बोल रही थी ना, सोच रही थी। बोले हाँ। बोले द्रौपदी मैं तो आधा रास्ता तो आया था तेरे को बचाने के लिए, लेकिन आधा रास्ता से मैं वापस चला गया, क्यों? जब मैंने देखा तेरे को पांच पांच पति रखा करेंगे, अरे बीच में फिर मैं क्यों आता, इसलिए मैंने चला गया। बोले द्रौपदी और थोड़ी दूर तक मैं आया था तेरे को बचाने के लिए, लेकिन वापस गया। बोले क्यों? बोले जब तुमको पांच पांच पति नहीं रखा किए, वहां पर पितामह भीष्म द्रोणाचार्य कृपाचार्य बैठे हुए थे, तुम सोच रहे थे शायद ये लोग भी हमें बचाने वाले हैं, उनको तरत में देख रहे थे कि नहीं, देख रहे थे माता जी उनको वहीं बैठ बैठा वहीं उनको बैठा, इसलिए बोले हाँ देख भैया अंदर में जिसको आने मत दिया करो, ये अंदर में जिसको आने मत दिया करो, तुम वहीं पर खड़े रहो, किसी को भी घुसने मत, ठीक है? बोला सब जो पीछे आए हो पीछे बैठो आगे। इसलिए उन्होंने बोले और थोड़ा नजदीक में मैं आया था, लेकिन तब भी मैंने वापस गया। बोले क्यों वापस गए? बोले जब तुमने तुम देख रहे थे पिता महाभीष्मा कुछ बोलेंगे, द्रोणाचार्य कुछ बोलेंगे, तुम्हें सोच रहे थे कि नहीं? बोले हाँ। बोले द्रौपदी जब इतने व्यक्ति तेरे को बचाने वाले घर में क्यों आता, मैंने वापस गया। बोले द्रौपदी एकदम पास में भी आया था तेरे को बचाने के लिए, तब भी मैंने वापस गया। बोले क्यों गए? बोले जब देखा ये कोई तुम्हें बचाया नहीं, तुम अपने कपड़े को हाथ को पकड़ करके और दांत को नीचे दबा करके रखे, तू सोच रहे थे मैं साधारण घर के बेटी थोड़ी, द्रुपद राजा के बेटी, स्वयं अग्नि से मेरी जन्म हुई है, इसलिए मैं स्वयं को स्वयं में रक्षा कर सकती, सोच रहे थे कि नहीं? बोले हाँ मैं तो सोच रही थी। बोले द्रौपदी फिर पास में मैंने जब देखा तू रक्षा कर सकते हो, पास में आकर के वापस गया, लेकिन जब तुमने देखा कोई भी मेरे को बचा नहीं रहा, मैं कूद कूद भी बचा नहीं पा रहा हूँ, उसी समय में तुमने दोनों हाथ उठा करके हे गोविंद राम शरण आपका जीवन हरि, हे कन्हैया तेरी सिवाय मेरे को बचाने वाले कोई नहीं, उसी समय में मैं वस्त्र रूप में प्रकट हो गया। दुनिया देख रही थी साड़ी में कि कोई नारी, ना नारी स्वयं साड़ी बन गई, इसलिए 10,000 गज
बल्लभ राज बल्लभ घटो घटो ना दस की जसारी है कहा कर बहरी प्रबल जो सहाय रघुनी जाके ना के साइया मान सके ना कोई हल बाल ना बाका कर सके जो जगह समझ गए कि नहीं। देखो कन्हैया को ऐसे ही भुगतना पड़ेगा। ध्यान दे के सुना घर में कृष्ण बैठे हुए लड्डू को तुम इधर उधर देवा देवी के पास में भटक रहे हो कृष्ण नहीं सुनेंगे। बोले सारा दुनिया का कारण तेरे घर में बैठा हुआ अब तू घर में भगवान को छोड़ के दूसरे दूसरे के पास भाग रही दूसरे को दूसरे के पास भाग रहे भागते रहो कहीं भागना नहीं पुकारना तो गोपाल जी को बोलना सब कुछ सार ब्रह्मा स्वयं कहते हैं सारे विश्व ब्रह्मांड का जो मूल कारण है हमारे श्री लड्डू गोपाल कृष्ण ठीक है ना। एक अनिष्ट होकर के कृष्ण को ही पुकारो उसको प्रणाम करो उसको ही पूजा करो और देने वाले वही सब कुछ है। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की बोले श्री नंद के लाला की बांके बिहारी की। इसलिए यहाँ पर इंद्र ने ब्रह्मा जी हैं भगवान को बड़े सुंदर सुंदर स्तुति कर रहे थे। बोले हे प्रभु तेरा एक नाम अजीत है अजीत मतलब होता है जिसको जितना पाना बड़ा कठिन लेकिन अगर कोई तेरे को पाना चाहते हैं क्या करनी चाहिए। बोले ज्ञानी प्रयास मधुपाश्य नमंत एव जीवंती सन्मुख रीतांग भवदीय वार्ताम् स्थानीय स्थितां श्रुतिगतां तन्वांग मनोभि जे प्रायश अजित जितोपि स्त्रैलोक्यात्। बोले जिनको पाना बड़ा ही कठिन है लेकिन अगर कोई उनको पाना चाहते क्या करनी चाहिए। बोले तो हमारे अंदर में जितने अभिमान पहले छोड़ दो हमारे पास भी इतने पैसा हमने पीएचडी करके रखा हमारी इतने योग्यता सारे अहंकार को पहले त्याग दो। ब्रह्मा जी कहते हैं मैं कौन हूँ जगत को सृष्टि करने वाले चार सर हैं। ब्रह्मा जी कहते बारिश का बूंद कोई गिर सकता है धूप पृथ्वी का धूल कणा कोई गिर सकता है लेकिन कन्हैया की महिमा को कोई भी खा नहीं पा सकते। ऐसे भगवान कृष्ण की इतना महिमा है कृष्ण की। इसलिए जो सारे अभिमान को ज्ञान की अभिमान को परित्याग करके क्या करते हैं जो संतों की शरण में रहते हैं गुरु जी की शरण में रहते हैं और ठाकुर जी जो स्थिति में रखे उसी स्थिति में रहो। ध्यान देकर सुनाओ अगर किसको बोले हरिनाम माला लो बोले अभी क्या करेंगे अभी क्या थोड़ी मर रहे बाद में कर लेंगे है जब घर का सारे काम निपटा लेंगे ना बेटी की शादी हो जाएगा बेटा का शादी हो जाएगी घर का सारे काम काज जब निपट जाएगा ना फिर भजन करेंगे। आप ये बताओ अभी तक काम को कोई निपटा पाया। बोले खुद निपट जाओगे काम नहीं निपटने वाले हैं तुम्हारे खुद निपट जाओगे। देखो यह ब्रह्मा जी क्या कहते हैं बोले भगवान तुम्हें जिस अवस्था में रखे हैं उसी अवस्था से भजन करना शुरू कर दो आगे तभी बढ़िया स्थिति आएगी जब भजन करोगे तुम्हारी चेष्टा से नहीं होगा। कृष्ण स्वयं कहते हैं हे अर्जुन अनन्नश्चिन्तयन् तमाम् जे जनाः परिजुपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगाख्यम् वहामि अहम्। कृष्ण कहते हैं जो हर समय मेरी पूजा पूजा पाठ हर समय मेरी भक्ति करता है उनके लिए मैं दो काम करता हूँ। कितना काम करता हूँ क्या क्या कृष्ण कहते हैं उसको घर में जो चीज नहीं हो मैं सर पर रख कर घर में पहुँचाता हूँ और घर में जो चीज हो ना एक दरवान बन करके मैं उसको स्वयं रखवाली करता हूँ। ये भगवान कृष्ण स्वयं ये बात को करते हैं इसलिए भगवान जो अवस्था में रखे समझ रहे हो जिससे अवस्था में रखे वहीं से भजन करो वहीं से अगर भगवान के आशीर्वाद होगा तो आगे तभी बढ़िया स्थिति आएगी तुम्हारी इच्छा से नहीं आएगी। भगवान कहते हैं मेरे तरफ में एक कदम बढ़ा मैं तेरी तरफ में दस कदम बढ़ाऊंगा। इसलिए करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है और तेरी कृपा से सारे
ये चीज को समझ लो, ठीक है ना। इसलिए उसी अवस्था से प्रभु की भजन करते रहो। और क्या कहते हैं ब्रह्मा जी, संतों की शरण में रह करके भगवान की, उनके भक्तों की कथा सुनो, ठाकुर जी की कथा सुनो। क्योंकि जब तक कथा नहीं सुनोगे तब तक भगवान के प्रति तुम्हारी प्रीति नहीं होगा, भावना नहीं बढ़ेगी। और क्या कहते हैं, भगवान तुम्हें जिस अवस्था में रखते हैं, हैं, अगर जीवन में अगर कोई दुख कष्ट आता है, कभी भी दूसरों को अगर दोष मत लगाओ। क्या समझो, आत्मा कृतम विपाकम, अपना किया हुआ कर्म का फल हम भोग कर रहे हैं। कभी दूसरों को मन में दोषारोप मत करो, अरे अमुक वजह से ऐसे हो गया, उसने ऐसे कर दिया, उसने, कोई किसी के लिए कुछ नहीं किया करता है। हमने जो कर्म किया, कर्म रोसी बनाते हो, कौन कौन रोसी बनाते हो घर में, आप बनाते हो, सब बनाते हो रोसी, आप देख लेना। हाँ, ये चीज को समझो, जैसे कहीं दाल तुमने रखा, कहीं चीनी रखी है, कहीं चावल रखा, कहीं मसाला रखा, जहाँ चीनी रखे हो जब हाथ वहाँ लगाओगे बताओ चीनी आएगा ना दाल आएगी, क्यों, तुमने वहाँ चीनी रखा है। कहीं मसाला तुमने रखे हो जब वहाँ हाथ लगाओगे क्या मसाला आएगा ना दाल आएगी, मसाला आएगी, क्यों, तुमने वहाँ पर रखे हुई चीज। इसलिए हमने जैसे जैसे कर्म किया है वो जब तुम हाथ लगाओगे ना, जो तुमने जहाँ जो चीज रखे हो वही चीज ही आएगी तुम्हारी हाथ में, क्योंकि तुमने वो चीज रखा हुआ तुम्हारा द्वारा, समझ रहे हो। इसलिए कभी भी दूसरों को कर दोष मत लगाओ, जैसे बीज बोगे वैसे ही वृक्ष आएगा, फल मिलेगा। इसलिए ब्रह्मा जी और एक बात कहते हैं, इसको अच्छे तरह समझ लो, जैसे हम भगवान की भक्ति करते हैं, देखना अगर थोड़ी मोड़ी कोई बार विपत्ति आ जाता है ना, हम क्या करते हैं, खाना नहीं छोड़ेंगे, घूमना नहीं छोड़ेंगे, सोना नहीं छोड़ेंगे, क्या छोड़ देंगे, ये भजन माला छोड़ देंगे। बोले भगवान की इतना हमने भजन किया, ठाकुर जी हमारे साथ में ऐसे किया है, लेकिन अपना सोना नहीं छोड़ेंगे, घूमना नहीं छोड़ेंगे, लेकिन माला ही छोड़ देंगे, भजन ही छोड़ देंगे। देखो ब्रह्मा क्या कहते हैं, कितने अच्छी बात ब्रह्मा जी, कितने अच्छी बात, एक उदाहरण देकर समझाए। जैसे तुम्हारे पिताजी के पास में अथाह संपत्ति, अब बताओ इसका अधिकार तो बच्चा बनेगा, लेकिन बच्चा कब इसका अधिकारी बनेगा, अगर पिता को अगर छोड़ करके चले जाएगा क्या मिलेगा, नहीं। जब पिताजी की सेवा करेगा, पिताजी की अनुगत्य में रहेगा, तभी उसको वो संपत्ति मिल सकती है। इसलिए ब्रह्मा जी कहते हैं, इधर देखो मेरे तरफ, इसलिए ब्रह्मा जी कहते हैं भगवान की भक्ति कभी छोड़ना नहीं। दुनिया तुम्हारी छूट जाएगी, सारा संसार एक दिन छूटेगा ही नहीं जान पर भी, लेकिन भगवान की भजन कभी नहीं छोड़ना। और क्या करो, अगर जल्दी से जल्दी दुख कष्ट को दूर करना चाहते हो, ब्रह्मा जी कहते हैं जितना हो सके भगवान के नाम जपो, हरि की नाम की जप करो, हरि का नाम जितने जल्दी जप करोगे ना उतना सारे पाप कटेगी, सारे कर्म फल नष्ट हो जाएगा, फिर तुमको ये दिव्य जीवन की प्राप्ति होगी। वाल्मीकि जैसे व्यक्ति दस्यु रत्नाकर से मरा मराम करते करते दस्यु रत्नाकर से वाल्मीकि बन सकता है, तो क्या हमारी कल्याण नहीं होगा, है कल्याण होगा कि नहीं। इसलिए गोस्वामी जी उदाहरण देते हैं, वो देव क्या उदाहरण देते हैं, जैसे खेती में जब बीज बोते हैं ना, देखना जैसे गेहूँ हो, किसान क्या करता है, गेहूँ को लेकर ऐसे ऐसे फेंक देता है जमीन में, देखना वो बीज उल्टा पड़े सुलटा पड़े, लेकिन जब वृक्ष होता है कैसे होता है, अरे बोलो कैसे होता है, सीधा होता है, भले ये बीज जैसे पड़े। इसलिए कहते हैं भगवान के नाम अगर किसी तरह से जैसे तैसे मुंह से प्रभु का नाम निकल जाए, भगवान कल्याण करने जरूर। अच्छा मिले अपना बेटा का नाम नारायण बुलाए तो वैकुंठ चला गया, है वैकुंठ चला गया। इसलिए क्या करो, माला दिए कि नहीं तुम लोगों ने, बहुत बार माला लिए हो, हाथ उठाओ, हाँ आप लोगों ने माला लिए हो, और हरि नाम रोज करना, ठीक है ना, माला को भूखा नहीं रखना, जो कुछ मांगना ठाकुर जी को मांगो, जो जो माला नहीं लिए आज एक एक माला ले जाना, ठीक है, माला लेकर सबके से भक्ति करना, इससे भगवान के नाम की बड़ी शक्ति है। इसलिए ब्रह्मा जी भगवान को
बड़े सुंदर सुंदर स्तुति की और ठाकुर जी को उन्होंने परिक्रमा करके तीन बार जल्दी से जल्दी ब्रह्मा चले गए। इसलिए यहाँ पर श्री कौन है यदि यहाँ पर पितामह ब्रह्मा इंद्र को कह रहे बोले इंद्र जी एक काम करो, भगवान का एक नाम गोपाल है जो गैया को पालन करते हैं, नमः ब्रह्मण देवाय वो ब्राह्मण हिताय च, ब्राह्मण गैया को हित करने वाले, चलो हम सुरभि का भी आनुगत्य में हम जाएंगे और जाकर के भगवान माफ कर देंगे क्योंकि गैया माँ है और भगवान गैया की पूजा करते हैं पालना करते हैं। जब लेकर के आए भगवान को अभिषेक किया और ठाकुर जी ने एक नाम रख दिया गोविंद नाम रखा। श्री गोविंद भगवान की जोर से बोलो श्री गोविंद भगवान की। और कृष्ण ने कहा देखो इंद्र जिसको पर मैं कृपा करता हूँ, क्या कृष्ण जिसको पर मैं कृपा करता हूँ ये जगत का सारे वस्तु उसका अपहरण कर लेता क्योंकि नहीं तो मेरा भजन नहीं करेगा, मेरा भक्ति नहीं करता। जब तक ये दुनिया संसार की माया में पड़ा हुआ हो तब तक जी मेरे पास नहीं आई, इसलिए मैं जिसको पर मैं अनुग्रह करता हूँ ये सारे जगत का सारे संपत्ति को छीन लेता हूँ। क्यों जब छीन लूँगा फिर वो मेरा भजन करता है। इसलिए कहते जो करे आमार आस, भगवान कहते जो मेरा आस करता है ना पहले उसको मैं सर्वनाश कर देता हूँ। अगर तभी भी मेरा चरण नहीं छोड़ता है तभी मैं उसका अपना दासों का दास बनाता हूँ। इसलिए कहते संसार में अगर कोई अपमान किया थोड़ी इधर उधर होना ना समझना ठाकुर बड़े दयालु हुए हमारी आसक्ति को संसार से काट रहे हैं, दुनिया को दिखा रहे हैं देखो मेरे को ये दुनिया है क्या चीज, दुनिया में कोई किसी का नहीं संसार झूठा है। इसलिए वो क्या करता है फिर वो एक मन से वो मेरा भजन करता है। बोले श्री वृंदावन बिहारी जय जय श्री जो नाम की महिमा सुना गुरु गिरिराज महाराज की छटा तेरी तीन लोग नारी है गोवर्धन महाराज छटा तेरी तीन लोग नारी है एक नाम सर्व अभिष्ट जो माधो गिरिराज जी वही देते हैं। और ये ब्रज की प्रत्यक्ष देवता ये कोई पहाड़ नहीं स्वयं विष्णु नारायण स्वयं भगवान का सेवक सब इच्छा को पूरी करते हैं ठीक है ना जो माधो, लेकिन कब देंगे जब उनका कीर्तन में नाचोगे तब तो खुश होकर देंगे, तुम तो पत्थर के बैठे सब इधर खड़े कर नाच लो तीन लोग Yeah.
भजन में आपको मानसिक गज की यानी गोवर्धन की परिक्रमा लगाने का फल भी मिलेगा। जिन्होंने गिरिराज की परिक्रमा की है उन सबके नाम यहाँ पर इस भजन में आएंगे। तो आप लोग ये समझना कि मानसिक गंगा में स्नान करके अब अपने गिरिराज महाराज की परिक्रमा प्रारंभ कर दें, ठीक है। शिखर के ऊपर नाचे मोर, शिखर के ऊपर नाचे मोर, संग रंग भरे रहे चौओर, संग रंग भरे रहे चौओर, बबैया चातक हंस चकोर, बबैया चातक हंस चकोर, जो बोली जय 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 ज
नारायण बाबा की जय। जय जय श्री राम। अज्ञान भ्रांत श्री ज्ञानंजन चलाज्ञा चक्षुरं कलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमो। विष्णुपदाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीमद्भक्तिविदान् नारायण गोस्वामीति नाम्नि गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय धराले कृष्णाय कृष्णभक्ताय करभक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पद्रुमस्य कृपा सिन्धवैव च पत्तानां पावनेभ्यो श्री वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। एक बार सभी हाथ उठा के बोलेंगे मेरे साथ, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक बार और, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म निखिला विष्णु विष्णुपाद अष्टोत्तर शिष्यनाथ नारायण गोस्वामी गुरु महाराज के अभय चरण कमल में अनंत कोटि दंड प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात व्यास पीठ पर आसीन मेरे शिक्षा गुरुदेव भूषण भक्ति विदान श्रीधर गोस्वामी महाराज के चरणों में मेरा अनंत कोटि दंड प्रणाम। समस्त गुरु परंपरा के चरणों में मेरा अनंत कोटि दंड प्रणाम। यहाँ उपस्थित सभी मेरे जितने भी कथा शोध पिपासु मंडली है सभी के चरणों में मेरे यथाई और दंड प्रणाम। महाराज जी की आज्ञा हुई है कि हरिनाम के विषय में थोड़ा सा आपको कथा श्रवण कराऊं। देखिए, हम गत 7 दिनों से श्रीमद् भागवत का श्रवण कर रहे हैं और ये श्रीमद् भागवत क्या है महाराज जी बता रहे हैं बार बार कथाओं में 7 दिन से लगातार बता रहे हैं कि ये श्री कल्पतरु है। कल्पतरु क्या होता है? मनवांछित फल देने वाला होता है। और ये कथा क्या है? ये ऐसी कथा है कि आम के आम और गुठलियों के आम, पेट भर के आम खाओ और जो गुठली बचे उनका सौदा कर दो और माल भी बन जाए अपना, ये कथा वो है। अब ये कैसे है? देखो, श्रीमद् भागवत कथा को कौन कह रहा है और कौन सुन रहा है इस विषय को जानने की आवश्यकता है। आप लोग यहाँ 7 दिन से कथा सुन रहे हैं और इस कथा का जो सार है वो सार आज अंतिम दिन है इस कथा का। और जो इस सार को ग्रहण करके गया ना, वास्तव में कथा उसने ही सुनी। और जिसने इस सार को ग्रहण नहीं किया तो उसने क्या किया? श्रमेव हि केवलम। यहाँ पे केवल अपने शरीर को लेके आए लेकिन अपने हृदय में कुछ धारण करके नहीं ले गए। तो इस भागवत कथा का सार क्या है ये बात समझने योग्य है। और ये भागवत हमें कल्पतरु जैसे गुरुदेव बोल रहे हैं, ये कल्पतरु है क्यों इस बात को समझिएगा कि जो कथा है ये कथा हमें क्या देगी? हमें ये कथा भवसागर से पार करेगी। सभी माताओं बहनों से मेरा विनम्र निवेदन है, मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये कथा जो है अगर आपने माता जी वहीं पर बैठो वहीं चुप वहीं पर आप कथा श्रवण करने आए हो लेकिन शरीर को लेके आए हो, मन को नहीं लेके आए। अगर मन को लेके आओगे तो ये आसपास जो इधर उधर की दुविधाएं हो रही है ना, कोई माता बहन कुछ भी कह रही है वो आपके कानों में आएगा ही नहीं, क्योंकि आपका ध्यान अपने कल्याण में होगा, महाराज जी की कथा में होगा। और जो कथा यहाँ से सुन के जाएगा वास्तविक रूप में उसी का वास्तव में कल्याण होगा। देखो, ये कथा परीक्षित महाराज को सुना रहे हैं सुखदेव गोस्वामी 10,000 सौंदर्य ऋषियों के साथ। और वो परीक्षित महाराज क्यों सुन रहे हैं इस कथा को? परीक्षित महाराज सुन रहे हैं अपने आत्म कल्याण के लिए। कारण क्या है कि उनको शिंगी ऋषि का श्राप मिला हुआ है। क्या मिला हुआ है? शिंगी ऋषि का श्राप। और क्या श्राप मिला हुआ है? कि 7 दिन में तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, 7 दिन में तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। अब आप इस बात को समझने की कोशिश करना कि परीक्षित महाराज के पास कम से कम 7 दिन थे, कि 7 दिन से पहले उनकी मृत्यु नहीं होगी, इस बात को समझने की कोशिश करना कि उनके पास 7 दिन थे, 7 दिन से पहले तो उन्हें मृत्यु छू भी नहीं सकती।
लेकिन क्या हम लोगों के पास कोई गारंटी कार्ड है कि सात दिन के बाद ही हमारी मृत्यु आएगी, सात दिन से पहले नहीं आ सकती। तो ये कथा सुनने की आवश्यकता किसको ज्यादा है, परीक्षित महाराज को है या हमें, हम लोगों को ज्यादा है। इस बात को समझने की यहाँ से चेष्टा करना है। और जहाँ पे भी श्रीमद् भागवत हो वहां पे दौड़े दौड़े जाना है। लेकिन किसकी कथाओं में, वैष्णवों की कथा में। अरे गहरे कोई भी आके कथा बोल के चले जाए उसकी कथा नहीं सुननी है, वैष्णवों की कथा सुननी है, क्योंकि वैष्णवों की कथा ही हमारा कल्याण करेगी। और अवैष्णवों की कथा करो, अवैष्णव मुखोदगीरण, वो जो कथा होगी वो क्या करेगी, हमारा नाश करेगी। कथा को विस्तार से ना बताते हुए पूज्य महाराज जी की बात को, मैं हरिनाम की महिमा मुझे बोलनी है तो उसका मैं सार आपको समझाना चाह रहा हूँ। तो परीक्षित महाराज के पास तो समय था सात दिन का, लेकिन हमारे पास सात दिन का भी समय नहीं है। इसलिए यहाँ कथा हमें तन से और मन से सब प्रकार से सुननी है। धन से तो आप सुन ही रहे हो, जब आ रहे हो कुछ ना कुछ प्रसादी में लेके आ रहे हो, ठीक है। धन नहीं चाहिए यहाँ, आपका मन चाहिए, तो मन को यहाँ पे दीजिए। और आप देखिए, जब ये कथा परीक्षित महाराज ने सुनी, इसके विषय में भी बड़ा तारतम्य है कि उनको सात दिन का समय मिला था। अगर हमारे पास, मैं अपनी अगर बात करूं, अगर मुझे पता चल जाए सात दिन में मेरी मृत्यु होने वाली है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तो अपने बैंक बैलेंस का पासवर्ड बताऊंगा अपनी धर्म पत्नी को, अपने माता पिताओं को, अपने पुत्र को, कि यहाँ यहाँ मेरा पैसा रखा हुआ है, यहाँ यहाँ मेरा माल रखा हुआ है, सबको निकाल लेना मेरे जाने के बाद, इतने लाख की पॉलिसी की हुई है, फलाने को तुम बोल लेना और डेड बॉडी का फोटो खिंचवा लेना, तो क्लेम नहीं मिलेगा। सारी दिनचर्या वही नष्ट हो जाएगी, सारा जो छह सात दिन का पीरियड होगा। लेकिन परीक्षा महाराज कौन है, वो वीर अभिमन्यु के पुत्र और पांडु लोगों के पौत्र है, धर्मात्मा, जिनके पिता धर्मात्मा है, जो स्वयं श्री कृष्ण की शरण में थे। तो जो भक्त का बच्चा होगा उसके हृदय में भक्ति विराजमान रहती है। तो हम यहाँ से अगर भक्ति लेके जाएंगे और भक्ति रूप आचरण करेंगे तो हमारे बच्चों के अंदर कोई भक्ति अनुकूल संस्कार उत्पन्न होंगे। तो परीक्षित महाराज ने क्या सोचा, जब उन्हें पता चला मुझे श्राप तो मिल गया है और मृत्यु निश्चित है, तो वो आत्म कल्याण के लिए अपने कुलगुरु के पास है। कुलगुरु ने फिर उन्हें श्रीमद् भागवत का श्रवण करने का एकमात्र उपाय बताया कि यही राजन आपके परम कल्याण का एकमात्र यही उपाय है, ना तो पढ़कर उपाय और कोई उपाय है ही, ठीक है। तो अगर हम अपना कल्याण करना चाहते हैं और अगर हमें ये पता है कि हमारे पास कोई गारंटी कार्ड नहीं है, तो श्रीमद् भागवत को हमें हृदय देके सुनना चाहिए। क्या देके सुनना चाहिए, हृदय देके सुनना चाहिए। और देखिए, ये श्रीमद् भागवत में एक गौकर्ण और धुंधकारी की कथा आती है, वो आप लोगों ने सुनी होगी। श्रीमद् भागवत क्या दे सकती है, कहते हैं ना, हमारे पितरों का तर्पण करने जा रहे हैं हम गया में, हम श्राद्ध करते हैं, अभी श्राद्ध आएंगे, हम श्राद्ध करते हैं, लेकिन श्राद्धों से भी पितरों का तर्पण नहीं होता। इस बात को समझने की कोशिश कीजिए, उस श्राद्ध से भी पितरों का तर्पण नहीं होता। अगर पितृ तर्पण करने से या पिंड दान करने से अगर तर्पण होता या मुक्ति मिलती, तो गोकर्ण महाराज ने अपने धुंधकारी भाई का तर्पण किया था, गया में जाके किया था, लेकिन उनका मुक्ति नहीं हुआ। फिर मुक्ति का क्या उपाय करना पड़ा, श्रीमद् भागवत का आयोजन किया गया। श्रीमद् भागवत का आयोजन किया, धुंधकारी नाम का जो प्रेत था, जो कभी गोकर्ण महाराज का भाई था, वो बांस में समा गया और सात दिन तक लगातार उसने हृदय देकर कथा सुनी। क्यों? क्योंकि उसे अपना आत्म कल्याण करना था। यहाँ जितने लोग आए कि हम वास्तव में ये सोच के आए कि आज हम कथा सुनेंगे और इससे हमारा परम कल्याण होने वाला है, ये सोच के आए, हृदय में क्या भावना लेके आए, जो जिस भावना को लेके आएगा ना, ये कथा उसको वही देगी। अरे सूर्य की रोशनी में आने से, सूर्य के ताप में आने से गर्मी तो अपने आप लगेगी, तो ये तो कल्प कर हुए हैं। जो यहाँ पे आएगा ना, उसको फल तो मिलना ही मिलना है, भौतिक सुख तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन भौतिक सुख लेने के लिए आए तो क्या आए हैं? यहाँ से वो लेके जाओ जो और कोई दे ही नहीं सकता, वो हमारे गुरुपाद पद में आपको देने आए हैं। बोले श्री गुरु महाराज की। तो आपको ये बात जाननी पड़ेगी कि श्रीमद् भागवत ही एक ऐसा प्रमाण है, एक ऐसा ऊर्जा स्रोत है और एक ऐसा प्रमाणिक ग्रंथ है जिसका पठन पाठन और श्रवण करने से हमारे पितरों का भी तर्पण हो जाता है हमारे तर्पण के साथ, हमें भी जीते जी मुक्ति मिल जाएगी और उनको भी मुक्ति मिल जाएगी। किसी के घर में कितनी भी विघ्न बाधाएं आ रही हों और वो केवल श्रीमद् भागवत की शरण में आ जाए, किसी वैष्णव साधु से
भजनानंदी साधु से वो कथा कराएं तो उनके पूरे कुल का तर्पण हो जाएगा, उनके पूरे कुल की शुद्धि हो जाएगी। भौतिक जगत के सुख तो मिलेंगे मिलेंगे, लेकिन साथ में परलोक की गति भी मिलेगी। और इस श्रीमद् भागवत का सार क्या है, इस बात को समझिएगा। सार क्या है श्रीमद् भागवत के अंतिम स्कंध में क्या कहते हैं कि सर्व पाप प्रणाशनम, प्रभु जी श्लोक कैसा है, नाम संकीर्तनम यश, नाम संकीर्तनम यश सर्व पाप प्रणाशनम प्रणाम प्रणामो दुःखशमनम नमामि श्री हरि पर। ये श्रीमद् भागवत का सार है। क्या कह दिया है कि नाम संकीर्तनम यश, जिसके नाम संकीर्तन मात्र से सर्व पापों का विनाश हो जाता है। अभी यहां आप सात दिन क्या कर रहे हो, नाम संकीर्तन कर रहे हो ना। श्रीमद् भागवत में भगवान की अनंत लीलाओं का वर्णन है, भगवान के भक्तों की लीलाओं का वर्णन है। तो जो भगवान के भक्तों की और भगवान की लीलाओं का गुणगान करता है, इसी को नाम संकीर्तन कहते हैं, हैं? और जिनके चरणों का ध्यान मात्र करने से समस्त पापों का शमन हो जाता है, ऐसे श्री हरि को मैं क्या करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। तो श्रीमद् भागवत का एक ही सार है। क्या सार है, हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम। क्या है, हरि का नाम और केवल हरि का नाम। अगर कोई ये कहे कि भैया बिना हरि के नाम के इस भव सागर से पार हुआ जा सकता है, तो झूठ है, वो आपको ठग रहा है, वो आपको झूठ बोल रहा है, हैं? नाम के अतिरिक्त कलयुग में और कोई गति है ही नहीं। ये समस्त शास्त्र, अगर नाम की महिमा बोलूं तो मैं 24 घंटे गुरुदेव की कृपा से नाम की महिमा बोल सकता हूँ, लेकिन फिर भी नाम की महिमा खत्म नहीं होगी है। इसलिए सार रूप में समझ जाओ कि कलयुग से पार होने का केवल एक ही नाम है, वो क्या है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कलयुग की इस आने वाली गति को देखकर देवऋषि नारद ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और ब्रह्मा जी से कहने लगे, प्रभु कलयुग तो बड़ा भयंकर है, इस कलयुग में जीव जो है मंदा सुमंद बड़ा मंद बुद्धि होगा, जगत के भौतिक सुखों में तो जाएगा लेकिन भगवान की कथाओं में नहीं जाएगा, इसका कल्याण कैसे होगा प्रभु। ये कलिशंकर उपनिषद का सिद्धांत बता रहा हूँ आपको, दृष्टांत बता रहा हूँ। तो उसमें ब्रह्मा जी कहते हैं कि आदि पुरुष नारायणश्च नाम उच्चारण मात्र निर्भूत कलि भवति, कि आदि पुरुष जो नारायण है उनका केवल नाम उच्चारण मात्र करने से ये जो जीव है ना ये भव सागर से पार हो जाएगा। बोले श्री नाम संकीर्तन महायज्ञ की। इसी में एक कथा आती है जो अभी इस कलयुग में कबीर जी के समय की कथा है, महाराज जी ने उसी को सुनाने का मुझे आदेश दिया है। इसमें नाम की क्या महिमा है कि कबीरदास जी के एक पुत्र हुए, उनका नाम था कमाल, और कबीरदास जी को हम सब जानते हैं भक्तिकालीन संतों में उनका अग्रणीय नाम है, हैं? उनके पुत्र थे कमाल, और जो कबीरदास जी थे वो नाम का भजन किया करते थे, भगवान की अनन्य भक्ति किया करते थे नाम के माध्यम से। तो काशी की बात है ये, काशी में उनका पुत्र रहता था कमाल, वहीं पे भजन ध्यान किया करता था। तो एक समय गंगा घाट से कमाल नहा के आ रहे होते हैं, तो वो क्या देखते हैं कि एक मारवाड़ी शेर बड़ा ऊंट और हाथियों पे बड़ा माल लेकर और वो ढोल बाजों नगाड़ों के साथ वो आ रहा है, और पूरा रास्ता अवरुद्ध हो गया, पूरे रास्ते में जाम लगा हुआ है। सब लोग पूछ रहे हैं कि भाई ये कौन है, क्या हो गया, जाम क्यों लगा हुआ है। तो जिज्ञासा कमाल को भी, कमाल ने भी पूछा कि भाई क्या है, क्यों इतना ये ताम झाम, क्या है, कौन आ रहा है। तो कहा कि कोई मारवाड़ी सेठ आ रहा है और उसको कोढ़ है और वो अपना कोढ़ ठीक करना चाहता है। किसी ने उसको बताया है कि वाराणसी में जाएगा, गंगा में स्नान करेगा और पंडो लोगों को दान देगा, तो इससे क्या होगा, उसका कोढ़ रोग ठीक हो जाएगा। तो कहा अरे एक कोड़ ठीक करने के लिए इतना काम झाम करने की क्या जरूरत है, ये कोड़ तो मैं 2 मिनट में ठीक कर दूंगा। तो वो जो बात कर रहा था वो किसी सेठ के व्यक्ति से ही बात कर रहा था। तो उसने कहा अच्छा तुम कोड़ ठीक कर दोगे, हमारे सेठ जी का तो कोड़ पता नहीं कब से चला आ रहा है और कितने दान पुण्य इन्होंने कर लिए, इनका कोड़ ठीक ही नहीं हुआ। कि नहीं मैं तो 2 मिनट में ठीक कर दूंगा, ऐसा उपाय है मेरे पास, लेके आओ अपने सेठ को। सेठ जी कमाल के पास आए, ये बताओ महात्मन क्या आपके पास युक्ति है कि जिससे मेरा कोढ़ ठीक हो जाए। कि अरे ये सब जो है आप मेरे पास आओ और गंगा में स्नान करना है आपको मेरे साथ।
गंगा में स्नान करो और स्नान करने के बाद क्या करना है, आपको राम नाम बोलना है। क्या बोलना है? राम नाम बोलना है। और राम नाम बोल के जब आप उठोगे ना, निकलोगे गंगा में से, तो आपका पोट ठीक हो चुका होगा। कि अच्छा केवल इतना ही करना है? कि हाँ जी इतना ही करना है। तो वो सेठ जो है कपड़े लत्ते उतार के तैयार हो गया, कपड़े लत्ते तैयार हो गया और गंगा जी में उतर गया। कमाल कहते हैं जाओ और डुबकी लगाते हुए राम का नाम लेके डुबकी लगानी, और जब बाहर निकलोगे तुम्हारा सारा कोढ़ समाप्त हो जाएगा। सेठ ने वैसा ही किया, कपड़े उतार के गंगा घाट में उतरा और उतरने के बाद उसने कहा जय श्री राम और डुबकी लगाई डुबू। और जब निकल के बाहर आया तो कोढ़ उसका जो गया था। कमाल ने कहा अरे तुमने डुबकी ढंग से नहीं लगाई, दोबारा से डुबकी लगाओ ढंग से और अच्छे से राम नाम बोलना, आत्मभाव से राम नाम बोलना, हृदय से निकलना चाहिए। ठीक है महाराज, दोबारा से डुबकी लगाता हूँ। दोबारा डुबकी लगाई उन्होंने और बोला जय श्री राम। डुबकी लगाई और डुबकी लगाने के बाद जब कमाल जो सेठ निकला तो कोढ़ फिर जोंका त्यों। कमाल को गुस्सा आ गया कि यार तू कैसा आदमी है, तू नाम सही से उच्चारण नहीं कर रहा, नाम सही से नहीं बोल रहा, इसलिए तेरा कोढ़ ठीक नहीं है, रुक मैं आता हूँ। कमाल ने अपने कपड़े ऊपर करे और एक हाथ में लिया लठ और नीचे उतर के गंगा जी में और कहा अब जब मैं कहूँ ना जब ही तेरे को डुबकी लगानी। गला पकड़ लिया सेठ का और हाथ में था डंडा कि अब लगा डुबकी और बोल जय श्री राम। कि जैसे उसने डुबकी लगाई कमाल ने धह लठ मारा उसके सर पे। अब लठ सर पे और गले में हाथ पड़ा हुआ है, प्राण तड़पड़ा रहे, ऐसे में बोला जय श्री राम और जब निकला तो सारा कौन सा बोल श्री राम प्रभु की। अब यहाँ पे एक बात आती है कि पहले दो नामों में कोर्ट ठीक क्यों नहीं हुआ और तीसरे नाम में क्यों कोर्ट ठीक हो गया? हाँ, इस बात को समझना पड़ेगा। जब कहते हैं ना दुख में सुमरन सब करें, सुख में करे ना कोई, और जो सुख में सुमरन करे तो दुख का भी कोई। जब हम भगवान को आत्मभाव से पुकारते हैं ना, जब हृदय की गहराइयों से पुकारते हैं तो दीन बंधु दीननाथ हमारी प्रार्थना को सुनते हैं। अब वो चाहे भौतिक जगत से रिलेटेड हो या भक्ति से रिलेटेड हो, वो सुनते हैं। तो इसीलिए इस सीन में भी यही हुआ। भगवान भगवद गीता में कहते हैं चतुर्विधा भजन्ते माम सुक्ति जनो अर्जुन आठ प्रकार की जिज्ञासु ज्ञानी च प्रतिष्ठ, कि मुझे चार प्रकार के लोग भी भजते हैं अर्जुन। कौन? आठ, जो दुखी है, हैं? जो जिज्ञासु जो जानने की इच्छा रखता है, हैं? और जो ज्ञानी है ना जिसके अंदर पहले से ही मेरा अटूट ज्ञान भरा हुआ है, आठ प्रकार की, और जो धन की अभिलाषा से यानी भौतिक सुखों की अभिलाषा से मेरे पास आता है। तो कथा का तो बहुत विस्तार हो सकता है लेकिन मैं केवल और केवल श्री नाम की महिमा आपको समझाना चाहता हूँ। तो यहाँ पे उस सेठ ने जब लट पड़ा ना और प्राण संकट में दुखे तो उसे रामी नजर आए। एक छोटी सी बात और बताऊंगा, बिल्कुल सत्य घटना है। मेरा मित्र हर की पौड़ी में नहाने के लिए गया और अचानक से उसका पैर फिसल गया, पैर फिसल गया और वो गहराई उसमें चला गया। कभी पूर्वजन्म के संस्कार होंगे और उसने बोला कि प्रभु मैं तो डूब रहा हूँ, आपको बचाना है तो बचा लो। और पता नहीं कहाँ से एक पानी का झोंका आया और उसे पार पे फेंक दिया, पार पे डाल दिया। ये बात मेरे मित्र ने बताई तो मैंने कहा भाई डूब तो तू गया था लेकिन तूने श्री नाम का सहारा ले लिया ना, वो भी शुद्ध नाम तूने लिया, आत्मभाव से लिया, तो इसलिए तू निकल के पार आ गया, नहीं तो तेरा तो राम नाम सत्य हो जाता। तो इसीलिए नाम की महिमा आपको समझना पड़ेगा। अब इसके बाद क्या होता है, कथा यही समाप्त नहीं होती है। कमाल बड़े खुशी खुशी बाहर निकल के आता है, सेठ बड़ा खुशी खुशी बाहर निकल के आता है, कहता है अरे जब मैंने इतने रुपए खर्च कर दिए, इतने दान पुण्य कर लिए, जगह जगह की तीर्थ कर ली, मेरा कोढ़ ठीक नहीं हुआ और ये महाराज कितने सिद्ध है, इन्होंने केवल केवल एक राम के नाम से मेरा कोढ़ ठीक कर दिया। और वो क्या था, वो जितने भी भंडार लाया था हाथी घोड़ों पर रख के वो सब कमाल को देने लगा कि महाराज आप ही ले लो, मैं तो पंडों को देना चाहता था, आप ले लो। देखो भैया हम निस्वार्थी संत हैं, हमारा कोई लोभ नहीं है, हम अपने नाम को बेचते नहीं है, हम अपना आत्म कल्याण करते हैं और दूसरों को आत्म कल्याण के लिए प्रेरित करते हैं, इसलिए हरि नाम करते हैं। तो आप ही अपना जितना भी लाए हो ना दान को, नहीं जिसको देना है आपको दे दो, हमें नहीं चाहिए। और इस तरह से कहते हुए और उछलते उछलते, क्योंकि किशोर अवस्था थी, बालक थे, उछलते उछलते आज तो पिताजी को ये दृष्टांत बताऊंगा, ये वाक्य बताऊंगा, पिताजी बड़े प्रसन्न होंगे और मेरे को जो बड़ा इनाम देंगे। जाके उन्होंने क्या किया,
महाराज जी के कवि महाराज के चरणों में प्रणाम किया और कबीर जी को बोला कि पिताश्री आज मैंने बहुत अच्छा काम किया, एक कोड़ी को तीन राम के नाम में ठीक कर दिया। कितने राम के नाम में? तीन राम के नाम में ठीक कर दिया। कबीर जी ये सुनते ही छंद रह गए और अपना माथा पकड़ लिया कि बूढ़ा कुल कबीर का जो हुआ पुत्र कमाल, कि मेरा ऐसा कुल में तेरे जैसा कुलघाती कहां से आ गया जिसे नाम की महिमा ही नहीं पता, एक तुच्छ कार्य के लिए एक कोण ठीक करने के लिए तूने तीन राम के नाम व्यर्थ गवा दिए, तुझे नाम की महिमा नहीं पता। देखिएगा ये नाम की महिमा क्या है, हमारे गुरुदेव आपको सात दिनों से नाम की महिमा ही बता रहे हैं और नाम की महिमा पर ही ये समस्त जग ब्रह्मांड टिका हुआ है और नाम की महिमा चारों युग में चहु युग चहु श्रुत नाम प्रभाव कल विशेष नहीं आन हो पाऊ, इस नाम की महिमा चारों युगों में है, गिना दूंगा आपको मैं। ठीक है, प्रहलाद महाराज ने कौन सा नाम लिया था भगवान का? हरी बोल हरी बोल हरी 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 बोल हरी बोल हरी बोल हरी 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 बोल, यही बोलते थे ना, कुछ और तो नहीं बोलता है। उसके बाद आप द्वापर में आ जाइए, द्वापर में राम प्रभु है, त्रेता युग में, सॉरी त्रेता युग में हनुमान जी के अंदर इतना बल कहते हैं कि हनुमान जी आपके अंदर इतना बल आता कहां से? तो भैया मुझे नहीं पता कहां से आता है, लेकिन मैं जैसे ही जय श्री राम बोलता हूं मेरे से वो काम हो जाते हैं। तो त्रेता में भी हनुमान जी ने राम नाम की महिमा से सिद्ध किया कि नाम में कितनी महिमा है, हैं? अब आप आ जाइए किसमें? द्वापर में भगवान कृष्ण के युग में आ जाएंगे। कृष्ण के युग में द्रौपदी महारानी ने क्या किया था? जब चारों तरफ से वो हार गई थी, पांचों पांडव उनकी रक्षा नहीं कर पाए, भीष्म पितामह द्रोणाचार्य बड़े बड़े जो अजय पुरुष अजय लोग हैं वो उनकी रक्षा नहीं कर पाए, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने पहले अपनी साड़ी को भी पकड़ने की कोशिश की लेकिन साड़ी नहीं छोड़ दी, फिर दोनों हाथों से क्या कहा? हे कृष्ण। और याद रखिएगा कृष्ण का ही बोला था और भगवान चले आए थे और साड़ी में बनके उनका उनकी लाज रखी थी उन्होंने, क्यों का साधारण कामे और कृष्ण वाले कामे बहुत अंतर है, क्योंकि अक्षर ब्रह्म है। क्या है ये? अक्षर ब्रह्म है। कहते ना राम 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 कहने से राम नहीं मिलते, एक सज्जन मिले थे मुझे, जैसे संतरा संतरा कहने से संतरा नहीं आ जाता ना, ऐसे राम राम कहने से राम नहीं मिलते। तो उस मूर्ख को मैंने समझाया संतरा ना भौतिक वस्तु है और जो राम है ना वो अक्षर ब्रह्म है ना, संतरा संतरा कहने से संतरा नहीं आएगा लेकिन राम का रा कहने से भी राम तुम्हारे सामने आ जाएंगे, लेकिन मनसा शुद्ध होनी चाहिए और वो शुद्ध हरि नाम होना चाहिए। बोले हरि नाम प्रभु की। कबीर जी बड़े नाराज हुए उनसे, कबीर जी नाराज हुए, उन्होंने कहा तुझे नाम की महिमा समझानी पड़ेगी, तो एक काम कर तू जा तुलसीदास जी के पास जा, सरयू नदी के तट पे तुलसीदास जी भजन कर रहे हैं, वो राम भक्त हैं, वो तो जो राम की महिमा नाम की महिमा तो बताएंगे। अब वो क्या है नाम की महिमा के लिए? पिता की आज्ञा को शिरोधार्य करके वो अयोध्या गए, अयोध्या में सरयू नदी में जाके तुलसी महाराज तुलसीदास जी महाराज को प्रणाम किया, कहा कि प्रभु मुझे पिताजी ने भेजा है नाम के महिमा समझने के लिए। अच्छा क्यों भेजा है? सारा वाक्य बताया। अब तू एक काम कर, आसपास के जितने भी गांव है ना वहां पे नगाड़ा भिजवा दे कि कल जितने भी कोड़ी है ना आसपास के सब इकट्ठे हो जाए तुलसीदास की कोड़िया के पास, वो सबका कोड़ ठीक करेंगे। क्या करेंगे? सबका कोड़ ठीक करेंगे। नगाड़ा बज गया और जो दुखी मन दुखी होता है ना, अंधा क्या मांगे दो आंख, अगर कोड ठीक हो रहा है तो सारे लोग आए, भीड़ लग गई, 400-500 कोड़ी कुटिया के बाहर खड़े हुए तुलसीदास जी की। अब तुलसीदास जी ने फिर कभी उसको बुलाया, कमाल को बुलाया, कमाल अब जाओ वृंदा महारानी को प्रणाम करो और तुलसी दल ले आओगे। एक तुलसी दल लाए और तुलसीदास जी ने उसको धो के श्री राम नाम अंकित किया, उसको सिल पे घोटा, घोटने के बाद पानी में डाल दिया उसको घड़े में, और जितने भी कोड़ी थे सबको छीटा मार दिया, और क्या हुआ? वो सारे के सारे जितने भी कोड़ी थे 400-500 सभी ठीक हो गए। बिहारी लाल की, बसियावर रामचंद्र की। उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कमाल को कि मैंने तो तीन नाम में कोड़ ठीक किया था और महाराज ने तो क्या किया, एक तुलसी दल पे केवल राम नाम अंकित किया और घोड़ दिया और 400-500 कोड़ियों का कोड़ ठीक हो गया। गए कबीर जी के पास कि पिताजी मैं नाम की महिमा समझ गया, मैंने व्यर्थ में ही तीन नाम गवाए और महाराज जी ने तो एक नाम में ठीक कर दिया इतने कोड़ियों का, कि तू अभी भी नहीं समझा नाम की महिमा, अब तू एक काम कर सूरदास जी के पास जा, मथुरा में यमुना जी के तट पे क्या कर रहे हैं? भगवान का भजन कर रहे हैं, वो तुझे नाम की महिमा बताएंगे।
पिता की आके शिरोधार की। गई यमुना जी में, मथुरा जी में आए, यमुना जी में आए, प्रणाम किया सूरदास महाराज को और कहा कि भगवान मुझे मेरे पिताजी ने, ये जितने भी संत हैं ना, कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास, ये समकालीन संत हैं सारे, ठीक है, और भगवान के परम भक्त हैं सारे के सारे। तो जब सूरदास जी के पास गए तो सूरदास जी ने कहा ठीक है मैं समझ गया। अब सूरदास जी कौन है, जब से ही अंधे हैं, उनको कुछ दिखाई नहीं देता। तो उन्होंने कहा कि एक काम करो कमाल, यमुना जी में मुर्दा बहता हुआ जा रहा है ना, उसे उठा के ले आओ। कमाल तो सत रहेंगे कि सूरदास जी तो अंधे ने कैसे पता यमुना जी में मुर्दा बहके जा रहा है। चलो भगवान के संत हैं, संत की लीला बड़ी न्यारी है ना, कोई नहीं जानता उनकी लीला, उनकी आज्ञा का पालन किया, वास्तव में बहता हुआ मुर्दा जा रहा था, उसे उठा लाए, उठा के लाए और उस मुर्दे के कान में क्या बोला, पूरा राम भी नहीं बोला, राम, और राम मात्र के उच्चारण से वो जो मुर्दा है जय श्री राम कह के उठ गया। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, बोल श्री रामचंद्र महाराज की जय, श्री नाम प्रभु की जय। अब तो कमाल बेहोश हो गया, इला नाम की क्या महिमा है, है? तो यहाँ पे ये दृष्टांत हमें सिखाता है, कबीरदास जी ने अपने पुत्र को नाम की महिमा को समझाया। अब यहाँ पे हम लोगों का भी कर्तव्य बनता है कि 7 दिनों में जो हमने यह कथा श्रवण की है, कम से कम उसमें हरि नाम में तो हमारी निष्ठा हो ही जाए। बिना हरि नाम किए हमें सोना नहीं है, ये आज यहाँ से संकल्प लेके जाओगे ना, कभी आपका यहाँ पे कथा में आना सार्थक सिद्ध होगा, नहीं तो क्या होगा, श्रमेधि केवलम, केवल आपने चल तू जा रही है, नहीं मैं भी चल रही हूँ, बस थोड़ा थोड़ी वो हो गया, चल घर में टाइम पास हो रहा है, टाइम पास नहीं हो रहा, चल वहीं कथा में ही चलते हैं, प्रसाद तो मिलेगा मिलेगा, साथ में बच्चों को ले जाऊंगी, खाने का झंझट खत्म हो जाएगा। अगर इस धारणा से कथा में आ रहे हैं तो ये वास्तव में श्रम ये भी केवलम है, केवल श्रम करना ही है, बाकी और कुछ नहीं है। इसलिए नाम की महिमा को समझिएगा, ठीक है, नाम की महिमा को तो राम भी नहीं कह सकते, राम न सके राम गुणगाना, भगवान राम को भी नहीं पता कि उनके नाम में कितनी शक्ति है, है ना। अपत अजाम ले गजगन काऊ भय मुकुट हरि नाम प्रभाऊ, और कहा कहो कही लांग बढ़ाई, राम न सकई राम गुण गाई। तो भगवान ने क्या, भगवान ने कितना उतारा, अजामिल जितने भी भक्त हैं, हैं? अजामिल को पारा, गरिता को टाड़ा, है ना, और गजेंद्र मोक्ष कथा आपने सुनी है, उनको उतारा, बहुत भक्त हैं, नाम ले सकते हो, लेकिन नाम ने कितना उतारा आप गिन नहीं सकते। तो राम भी अपने राम के अपने गुणों को नहीं जानते हैं। तो यहीं पे मैं आप सबके चरणों में एक प्रार्थना करूंगा, हरिनाम करें, हरिनाम करें, हरि गुरु वैष्णवों के अंदर में करें, गुरुदेव से हरिनाम लेके करें, क्योंकि ये इन प्रकार ने हरिनाम अगर करोगे ना, तो यहाँ पे मुझे एक छोटा सा गुरुदेव 5 मिनट 2 मिनट का समय और लूंगा, अगर ये इन प्रकार ने हरिनाम किया है ना, और ये कहाँ से इधर उधर से कथा सुन ली और एक हमने एक अपनी पत्रकारी बना ली, अपने आप में अपना एक दृष्टांत बना लिया, तो गोपाल चक्रवर्ती की तरह हमारा नाश हो जाएगा। अब आप कहोगे गोपाल चक्रवर्ती कौन थे, गोपाल चक्रवर्ती गोवर्धन मजुमदार की सभा में एक कर्मचारी थे, और उन्होंने श्री हरिदास के चरणों में क्या किया था, अपराध किया था। हमारे हरिदास ठाकुर कौन है, वो श्री नाम के आचार्य हैं, जैसे अभी गुरुदेव बता रहे थे ना, ब्रह्म विमोहन लीला उन्होंने बताई, ब्रह्मा जी को मोह हो गया, हैं, ब्रह्मा जी को मोह हो गया, भगवान को साधारण ग्वाल समझ के कह रहे हैं ये कैसा परम ब्रह्म है, लोग इसे परम ब्रह्म कहते हैं, वो झूठा खिला रहा है और खा रहा है, मुझे विश्वास नहीं होता, क्या किया, गाय वालों को हर के ब्रह्म लोक में पहुंचा दिया, और भगवान समझ गए उनकी लीला को और अपने में से स्वयं को प्रकट कर दिया, जितने भी ग्वाल बाल बछड़े थे सब भगवान कृष्ण स्वयं बन गए। और जब ब्रह्मा जी ने देखा कि यहाँ तो सारे के सारे ग्वाल बाल वैसे के वैसे हैं, और ब्रह्मलोक में देखा तो वहाँ पे भी वैसे हैं, तो चकरा गए, पाही माम करके भगवान के चरणों में आ गए। भगवान के चरणों में आने के बाद भगवान से क्षमा मांगी, भगवान ने तो क्षमा कर दिया लेकिन स्वयं को क्षमा नहीं किया उन्होंने, और उन्होंने क्या किया, यमनपुर में चेतन महाप्रभु की लीला में वो हरिदास ठाकुर बन गया है, यवनपुर में मुस्लिमपुर में जन्म लिया, और नित्य प्रति 3 लाख हरिनाम करते थे। ऐसे सिद्ध वैष्णव के चरणों में उस गोपाल चक्रवर्ती ने अपराध किया है। हरिदास ठाकुर श्री नाम की महिमा बता रहे हैं, और वो ये इन प्रकार यहाँ वहां से सुन के नाम की महिमा कह रहे हैं, कह रहे हैं कि ये नाम की महिमा
हरिदास ठाकुर बोलते देखो प्रसंग बड़ा लंबा है, समय बड़ा संकुचित है, इसलिए इस बात को समझने की कोशिश करना। मैं ये हरिदास ठाकुर का उदाहरण आपको क्यों बता रहा हूँ, कहते ना कि नीम हकीम खतराए जान, नाम तो करना है लेकिन क्या करना है, हरिगुरु वैष्णव के अनुगत में करना है, नहीं तो क्या करेंगे हम, ऐसे ही जैसे गोपाल चक्रवर्ती ने हरिदास ठाकुर के चरणों में अपराध कर दिया ना, ऐसे ही किसी वैष्णव के चरणों में अपराध कर बैठेंगे और हमारा सर्वनाश होगा। ठीक है, तो आज के लिए आपके लिए इतना ही काफी है, हरिनाम करना है लेकिन हरिगुरु वैष्णव के अंगत में करना है। यहाँ जो भी लोग आए सभी लोग हरिनाम लेके जाएं, और जिन्होंने ले लिया है वो विधिवत गुरुदेव से दीक्षा भी लेके जाएं, भले हरिनाम की दीक्षा लेके जाएं और शुद्ध हरिनाम करें, गुरुदेव के मुख से निकला हुआ हरे हरिनाम को सब करते हो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, लेकिन ये अभी क्या है, फल नहीं देगा उतना। जैसे एक बंदूक से निकली हुई गोली को आप खाली बंदूक की गोली निकालो और ऐसे मारो, कुछ करेगी वो, प्राण लेगी किसी के, छोटे बहुत छोटे बहुत लग जाएंगे, हो सकता है लग गई निशाने पर, गुम्मट निकल आएगा वो कुबड़ा सा, लेकिन अगर वही बंदूक की गोली में पिस्तौल में भरके मारो तो क्या होगा, प्राण लेगी। ऐसे ही गुरुदेव के मुखारविंद से निकला हुआ हरिनाम है ना, वो जैसे गोली काम करती है वैसे ही वो हरिनाम काम करेगा। हरिनाम तो आप भी जानते हैं, लेकिन जब उसे गुरुदेव अभिमंत्रित करके देंगे तो उसका जो शक्ति है हजारों गुना बढ़ जाएगी। और श्री जो हमारे युगल किशोर सरकार हैं वो आपके ऋणी हो जाएंगे जब आप गुरुदेव के अनुगत में भजन करोगे। ठीक है, तो हम सबको क्या करना है, हरिनाम करना है, और किसके अनुगत में करना है, गुरुदेव के अनुगत में करना है, हरिगुरु वैष्णव के अनुगत में करना है, और हरिनाम के सार को समझना है। ठीक है, वांछा कब दुर्वश्य कृपा सिंधवे सब एक बार हाथ उठा बोलो, बोल हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, बोल हरे कृष्णा 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 हरे हरे, राहुल हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, बस वृंदावन बिहारी लाल। जो माताएं आ रही हो अब लोग वहीं पर बैठ जाओ, जो जहाँ पर वहीं पर अब लोग बैठ जाओ, बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे। जो लोग इधर बैठे थोड़ी थोड़ी सकल तरफ बैठ जाओ, थोड़ी थोड़ी आगे आ जाओ, पीछे लोग बैठ सकते हैं। हाँ थोड़ी थोड़ी आगे आगे आ जाओ, बोले गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा की जय महारानी की जय राधा रानी की जय महारानी की जय हे धारी की जय सनवारी की जय हे धारी की जय मनवारी की जय बोलो कुंज बिहारी की जय जय बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। राहुल आप और मत बोलो, चुपचाप तुम भी बैठ जा, मैं भी बैठ जा। हाँ देखो प्रभु आपको बड़े सुंदर प्यारी भगवान के नाम की महिमा सुनाए, ठीक है ना, इसलिए देखो भागवत का जो सार है ना ये भगवान का नाम है। जब श्री सुखदेव गोस्वामी ये भागवत को प्रारंभ करते हैं वो भगवान का नाम से ही प्रारंभ किया,
और जो भागवत को विश्राम देते हैं, समाप्त करते हैं, वो भगवान का नाम से ही समाप्त किया। मतलब क्या है, जैसे आप लोग आए 7 दिन तक कथा सुनी, लेकिन अगर कथा सुन करके अगर भगवान के नाम को लेकर गए ना, समझना कथा सुनना सार्थक हो गया, कथा सुनना हमारी सार्थक हो गया। अगर यहाँ आए 7 दिन तक बैठे और कथा सुने लेकिन भगवान के नाम ही नहीं लेकर गए, ये समझना आया और गया हम, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं आया, हाथ में कुछ भी नहीं आया। इसलिए क्या करना है, भगवान की नाम को लेकर के जाना। जिन लोगों ने नाम लेकर गए तो अच्छी बात है, अब जो नहीं लिए है ना, आज के सब जाते समय लेकर के माला लेकर के जाना, ठीक है, और एक एक माला लेकर के जाना और भगवान की भजन करना। देखो इधर मेरे तरफ में देख लो, आज कुछ माला है, माता है तो माला लेकर गई, लेकिन मेरे को पूछ रहे थे बाबा इसको माला कैसे करना है, एक बार देख लो, पता नहीं अब से मैं कब फिर मिल 2 बार मिलूंगा, ध्यान देकर देख लो कैसे माला जप करना, जो लेकर के जाओगे कैसे माला जप करोगे। जैसे ये जो अंगुल है, ध्यान देकर करो, ये जो अंगुल है उसमें नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि गंधा अंगुल ये सबसे पहले निकलता है। हम बोलते हैं ना, हम तुमको देख लेंगे, हम तुमको सबसे पहले कौन निकलता है, ये अंगुल निकलता है, ये अहंकार का प्रतीक है, इसलिए ये अंगुल को इसे हम बाहर निकाल कर रखते हैं, और ये जो बीच अंगुल में रखते हैं, देख लो ये जो बीच वाले अंगुल को पर रखते हैं, ये सुमेरु है, ये सुमेरु है, इसको इस तरफ में रखते हैं, रख करके जैसे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे बोल करके इसमें एक मोती सरकाते, ठीक है, समझ रहे कि नहीं, एक मोती सरकाना, अरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, अरे 2 मोती सरकाते हैं, अरे 3 मोती सरकाते हैं, करते करते यहाँ जब खत्म हो जाए, याद रखना जब यह खत्म हो जाए, ये अंगुल को पार नहीं करते, उसको पार नहीं करके फिर एक से घुमा देते, घुमा करके फिर दूसरे तरफ से माला करते, ठीक है। और देखो ये जो माला लिए हो, ये माला नहीं, आज आपका घर में श्री बांके बिहारी आए, कौन आए, इतना हरि से बड़ा हरि का नाम है। इसलिए गुरुदेव कहते थे ये माला नहीं आया, आपका घर में राधा कृष्ण स्वयं आए हैं, अगर घर में ठाकुर आए फिर क्या करोगे, उनकी सेवा करनी चाहिए। बोले सेवा कैसे करोगे, जब ये माला हम जब करते हैं ठाकुर को सेवा ही करते हैं, ठाकुर जी की चरण की सेवा करते, माला नहीं ठाकुर को सेवा करते। इसलिए गुरुदेव कहते थे ये जो माला है ना, इसको कभी भूखे नहीं रखना, क्या नहीं रखना, भूखे मतलब क्या, अगर ये माला अगर एक दिन हमने जप नहीं किया तो आज ठाकुर जी भूखे रह गए, ठाकुर जी भोजन नहीं किए, ठाकुर जी स्नान नहीं किए, ठाकुर जी कपड़ा नहीं बदला है। इसलिए रोज माला को भोजन करने से पहले थोड़ी माला करना, 2 माला कम से कम सवेरे कर लो, फिर 3 में जब जब तुम्हारी फुर्सत होगा अपना काम धंधा से फिर भगवान के नाम जप कर। देखो माताएं ध्यान देकर सुना, जैसे कभी कभी महीना में माताएं अपवित्र रहती हो तब भी ये माला कर सकती हो, ये माला के लिए कोई नियम नहीं, लेकिन जो ठाकुर को सेवा पूजा करते हैं वहाँ से दूर रहनी चाहिए, लेकिन माला जप करने में तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे बिस्तर से उठे कोई काम नहीं, बिस्तर पर बैठे हो, लेकिन तभी भी ये माला लेकर के बिस्तर में बैठ बैठ करके हाथ धो लेना, मुंह धो लेना, धो करके बिस्तर में भी ये नाम को कर सकते, उसमें कोई नियम नहीं है प्रभु का नाम, लेकिन तब भी कोशिश करना थोड़ी समय निकाल अच्छे निकाल करके नहा धो करके ठाकुर लोग सामने बैठ करके थोड़ी समय भगवान की नाम जप करने के लिए, ठीक है ना। और यही अभी सुन रहे थे ना नाम की कितने महिमा, कल 4 रानी की कथा सुनाया था ना, 7 में कौन गया बताओ, भगवान के नाम ही गया,
और साथ में कुछ गया नहीं। अगर किसको बोले हरि नाम करो, बोले समय कहाँ, बोले क्यों, बोले हम घर गृहस्थी में रहते ना, हमारी बेटा बेटी नाती पोती इनकी सेवा करते करते समय चले जाता, समय नहीं। देखो ध्यान देकर सुनो, हमारे बड़े गुरु जी इसको अच्छे तरह से गांठ बांध लो, इसको ध्यान देकर सुनो। हमारे बड़े गुरु जी कहते थे, आप देखना संसार में अक्सर करके जो काम हम करते हैं, कैसे दूसरों को कैसे खुश रखे, अपना पति को कैसे खुश रखे, पत्नी को कैसे खुश रखे, बच्चे को कैसे खुश रखे, सास को कैसे खुश रखे, ननद को कैसे खुश रखे, इसलिए करते हैं ना। आप लोग को ये बताओ, अभी तक तुम्हारी पर कोई खुश है, बोल दो। देखना तुम्हारी पीछे चुगली के सिवाय कुछ भी नहीं होती होगी। सास बहू की चुगली करती होगी, बहू सास की चुगली करते होगी, ननद बहू की करते होगी, बहू ननद की करते, यही होती कि नहीं। आप बताओ कोई संसार में किसको खुश कर पाए, भैया कोई किसको खुश नहीं कर पाओगे। लेकिन हमारे वाक्य भी हम तो देख लो, जब भगवान परीक्षा कर रहे थे, जब भगवान की अंकुल कट गई, ठाकुर जी परीक्षा कर रहे थे, जब अंकुल कट गई, इतने में द्रौपदी ने अपना साड़ी को फाड़ दी और भगवान के अंकुल को पूरा बैंडेज कर दी। इतने में ही ठाकुर जी खुश हो गए। ठाकुर जी सोच रहे हैं कब मौका मिले, ये द्रौपदी का ऋण कब मिल सकता। द्रौपदी के कितने पति थे, बोलो जोर से, सर्वश्रेष्ठ गांधी बिहारी अर्जुन भीम नकुल। लेकिन जब द्रौपदी के वस्त्र हरण करते समय कोई उसकी काम में आए, बताओ काम में कौन आया है, अरे बोलो कौन आए। यही चीज को गांठ बांध कर रखो, हैं, जिसका पांच पांच पति नहीं आए, तुम्हारे एक पति क्या काम में आएगा, बताओ तुम्हारे एक पति कौन सा काम में आएगा, जब उसकी पांच पांच इतने बड़े बड़े काम में नहीं आए। इसलिए भैया काम में आएगा तो हमारी केवल बांके बिहारी काम आएगा, जगत में हमारी काम में कोई भी आने वाले नहीं। इसलिए क्या करना है, समय हो तो देखो, हमारे बड़े गुरु जी कहते थे, बोले सौ काम छोड़ करके अपना भोजन करो, हजार काम छोड़ करके अपना काम धंधा करो। गुरुदेव कहते थे करोड़ों काम छोड़ करके भगवान की भजन करो, करोड़ों काम को छोड़ करके, क्यों, अंतिम समय में भगवान के नाम ही तुम्हारी साथ में जाने वाले, और ये संसार से कुछ भी तुम लेकर के नहीं जाओगे, ठीक है ना। इसलिए जाते समय एक एक माला जरूर लेकर के जाओ, खुद भी करो, परिवार में भी कराओ, हैं, बच्चों को भी कराओ, परिवार में भी भगवान का नाम करो। जिस घर में भगवान की सेवा पूजा भक्ति होती है, वो घर नहीं, वही घर ही गोलक वृंदावन बन जाती है, गोलक वृंदावन बन जाती है। अगर चाहते हो तुम्हारी घर को गोलक वृंदावन बनाना चाहते हो, क्या करो, जरूर हरि का नाम जप करो। और यही और नियम है, अपने आप नहीं, किसी साधु से लेकर करनी चाहिए, ऐसे नहीं कि माला ले लिया करना शुरू कर दिया, नहीं, किसी साधु से लेकर के ये माला भगवान की माला करनी चाहिए, ठीक है ना। हाँ देखो, हम लोग ने कितना दिन तक कथा सुनी है, सात दिन तक। नियम है जो हमने सात दिन तक कथा सुनी है, उस कथा से लो और कथा में कुछ दो। आप बोले भैया ले क्या और दे क्या, बोले जितने गंदी चीज को देख करके चलिए, बोले यहाँ से ले क्या, बोले यहाँ से केवल भगवान की भक्ति, भगवान का प्रेम ही यहाँ से ले करके जाओगे। आप बोलोगे भैया गंदी क्या चीज है, इसलिए भागवत ने चार चीज को गंदी बताई, कितना चीज को, हाँ। इसलिए जिस समय श्री परीक्षित महाराज का राज्य तो चल रहा था, एक दिन इन्होंने देखा इनके देश में बड़ी अनहोनी हो रहा है, तो उन्होंने देखा मेरे देश में अनहोनी कहाँ से हो रहा है। परीक्षित महाराज चतुरंगी सैनी को लेकर गए और लेकर गए, हठात उन्होंने एक आश्चर्य दृष्टि देखा, क्या देखा, एक गैया बड़ी दुखी होकर के रो रही है, और देखा एक बैल का चार पैर में तीन पैर नहीं, वो बैल केवल एक पैर के ऊपर खड़ा हुआ, और एक पैर को एक राजा शूद्र
वो एक प्यार को डंडे लेकर के मार मार करके उसको ये माताओं को वहीं पर बैठा दो यहाँ निकाल दो। इसलिए उन्होंने डंडे मार मार करके उनको प्यार को तोड़ने के लिए कोशिश कर रहा था और वहीं पर बैठो वहीं बैठो वहीं वहीं बैठो। इसलिए इतने में परीक्षित महाराज को बड़ा क्रोध आया, तब उन्होंने म्यान से तलवार निकाल माता वहीं पर बैठो यहाँ बैठो वहीं बैठो। इसलिए परीक्षित महाराज ने म्यान से तलवार को निकाली और उसको मारने के लिए झपड़ पड़े। जब झपड़ पड़े वो व्यक्ति था स्वयं कली। देखा ये अर्जुन का वंशज है, ये कभी शरणागत व्यक्ति को ये कभी मारते नहीं। तब उन्हीं के चरण में सीधा लेट गए। तब परीक्षित महाराज पूछा, भैया तुम कौन हो? बोले मैं स्वयं कली हूँ। बोले ये जो तीन प्यार नहीं ये कौन है? बोले ये धर्म है। बोले ये तीन प्यार गया कहाँ? बोले चार युग है, सत्य तृतीय द्वापर कलि, ये चार युग है। ये चार युग धर्म का चार चरण और धर्म का तीन चरण खत्म हो गया। कलि युग में धर्म थोड़ी सी टिका हुआ एक प्यार काम को करके। बोले तुम क्या कर रहे हो? बोले मैं कलि युग में कोई धर्म कर्म रह नहीं दूंगा, सारे धर्म कर्म तुम्हें खत्म कर दूंगा। परिकृति महाराज बोले जब तक मैं हूँ तुम कुछ भी नहीं कर सकते, निकल जाओ यहाँ से, नहीं तो जान से मार डालूंगा। बोले आपने सबको समय दिया, सबको अपने स्थान दिया, मेरे को भी स्थान दो। तब श्री परिकृति महाराज ने देखा यद्यपि कलि युग पाप का युग है, कलि मतलब क्या है? आप देखना बहू बहू में लड़ाई, भाई भाई में लड़ाई, बहू सास में लड़ाई, सास ननद में लड़ाई है कि नहीं? पड़ोसी में देखना लड़ाई, जहाँ ऑफिस जाओगे वहाँ भी लड़ाई है कि नहीं? आप देखना देश देश में यूक्रेन रशिया में लड़ाई, भारत पाकिस्तान में लड़ाई, भारत चाइना में लड़ाई, अमेरिका चाइना में लड़ाई है कि नहीं? सारा दुनिया में देखोगे ना, देखना अपना मन मन में लड़ाई हो रही है, अपना मन मन में भी लड़ाई हो रही है। इसलिए देखा यद्यपि ये कलि युग केवल पाप का युग है, लेकिन कलि युग में एक विशेष गुण भी है। बोले कलि युग में विशेष गुण क्या है? बोले कलि युग केवल नाम आधारा और सुमेरी सुमेरी नारा। अगर कलि युग में थोड़ी सी कोई हरि का नाम जप कर लिया, केवल थोड़ी सी हरि का नाम जप कर ली, बेड़ा पार, बेड़ा पार है। केवल थोड़ी सी हरि नाम जप कर लो, अब फिर कलि युग में जो हरि नाम है, देख लो दूसरे दूसरे युग में जो तपस्या यज्ञा पूजा उसके लिए बहुत पैसा लगता था, लेकिन कलि युग में बिना पैसा का हरि के नाम लेने के लिए कोई पैसा की जरूरत नहीं। एक बार हाथ उठा करके बोलो, बोलो हरे कृष्णा जोर से बोलो, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम। और एक बार जोर से बोलो, कोई पैसा खर्चा हुआ है नहीं, कोई परिश्रम नहीं, बल्कि भगवान के नाम से आनंद मिलता, शांति मिलती है ना, बिना पैसा का। इसलिए यहाँ पर कहते हैं भगवान कलि युग में इतना सरल रख दिया, कहते सुलभम भगवत नामम। भगवान ये नहीं कहते हैं अगर तुम्हारे नाम लो तो तेरे को पैसा देना पड़ेगा, ठाकुर बोलते हैं नहीं। फिर जीवा जब बसवर्दिना तुम्हारी अधीन में जीवा है, अगर जीवा को बोलो ठाकुर का नाम लो, ठाकुर का नाम लेगा, अगर जीवा को बोलो चुगली करो, भले चुगली करना शुरू करते हैं, है ना? इसलिए इतने सरल, लेकिन भगवान कहते हैं तब भी ये कलि युग का जीव बैठ करके जिसमें शांति सुख है वो तब भी नहीं करेगा बैठ करके, बाहर चार जब माताएं बैठ जाए देखना क्या क्या बात होती है, सारा दुनिया की बात होगी तब भी हरि का नाम लिए नहीं लेते हैं, फिर उनकी कल्याण कैसे होगा हैं? इसलिए श्री परीक्षित महाराज ने बोले भैया तू रह जा, क्योंकि तुम्हारी एक गुण है हरि की, नाम सबके सब हरि की नाम से कल्याण होगा।
इसलिए श्री परीक्षित महाराज कलियुग का चार जगह पर स्थान दे दिया। अगर कलियुग में ये चार नियम को कोई पालना करके हरिनाम घोष कर ले बड़ा पाप। जैसे उदाहरण दिया, आपको कोई कठिन बीमारी है, किसी डॉक्टर को पास में आप गए, बढ़िया का डॉक्टर होना बोलेगा देखो तेरे को तो दवा बहुत बढ़िया दे रहा हूँ, लेकिन परहेज व साथ में दवा लोगे तो तुम्हारी बीमारी सही हो जाएगा। अगर बगैर परहेज को साथ में दवा लोगे, दवा तो ले सकते हो लेकिन तुम्हारी कोई काम नहीं करेगा। इसलिए कलयुग में दवा क्या है, ठाकुर का नाम ही दवा है। बल परहेज किया है, बल चार चीजें। पहला नंबर, जुआ नहीं खेलनी चाहिए। लगता है कोई तो जुआ खेलते नहीं होंगे, खेलते हो कोई जुआ नहीं? इसलिए जुआ खेलने से धर्म का पहला चरण सत्य नष्ट हो जाएगा। दूसरा है पानम, किसी तरह का कोई नस्ली वस्तु नहीं लेनी चाहिए। नस्ली वस्तु में जैसे पान, बीड़ी, सिगरेट, अफीम, गांजा, भांग, शराब, गुटखा, ये सब नहीं लेनी चाहिए। देखो यहाँ तक भी चाय भी नहीं लेनी चाहिए। आप बोलो भैया चाय में क्या दोष है, बोले चाय की पत्ते में कोई दोष नहीं है, लेकिन उसमें निकोटीन कैफीन डालते हैं। अब रामदेव बाबा का योगा देखना, एकदम स्ट्रिक्ट मना करता है चाय पीने के लिए। बोले जो व्यक्ति खाली पेट में चाय पीते हैं उनको गैस्ट्रिक का बीमारी होता है। योगा ये कहता है खाली पेट में पानी पियो, गर्म घर में चाय नहीं। आप देखना जैसे कोई व्यक्ति शराब पीता है, शराब पीने का समय आ जाए, अगर शराब नहीं पिएगा क्या होगा, घबराहट होती है। इसलिए जो व्यक्ति चाय पीते हो देख लेना, चाय पीने का समय चाय बंद पियो, क्या होता है तुम्हारे बोलो, अरे बोलो क्या होता है, बेचैनी होगी, सर दर्द होगी। क्यों? उसमें निकोटीन कैफीन डाला हुआ है। ये अंग्रेजी लोग, ध्यान देकर सुना, ये अंग्रेजी लोग भारत को गुलाम बनाने के लिए, ये बड़े बूढ़ों को पूछ लो, पहले बिना पैसा में चौराया पर चाय बनाए करते थे। बोलते थे जो एक चप कप चाय पिएगा उसको एक रुपया मिलेगा। हम लोग ऐसे है ना, बिना पैसा का अगर हमें कोई जहर दे दे तो जहर पीने के लिए तैयार हो जाते। बोले एक रुपया मिलेगा, बोले दो, एक रुपया। कुछ दिन बाद में बोले 50 पैसा मिलेगा, बोले दो। कुछ दिन बाद बोले 25 पैसा दो। जब नशा चढ़ गया ना, बोले 25 पैसा दो, 50 पैसा दो, एक रुपया दो, दो रुपया दो, तीन रुपया दो, पाँच रुपया दो। अभी कितना हो गया, 10 रुपया हो गया। बम्बे में तो 30 रुपया एक कप चाय। अगर दिन में अगर 5 कप चाय पी लिया ना, 50 रुपया गया। लेकिन घर में अगर 50 रुपया की दाल रोटी बनाओगे तो एक दिन तुम्हारी भोजन हो जाएगी कि नहीं। लेकिन 50 रुपया की आप एक ग्लास दूध भी पी सकते हो, हैं? लेकिन हम लोग क्या करते, नहीं हमें क्या चाहिए, 1 किलो नहीं, हम तो जहर पिएगा। इसलिए भैया ये अंग्रेजियों का जो बिजनेस को मत चलाएगा, ठीक है? हाँ, अगर पीना है दूध में एक हर्बल टी है, गोकुल टी है, प्रज्ञा है, जो शहद को अच्छे करने वाले हैं, अच्छे रामदेव बाबा का जड़ी बूटी मिलतियाँ हैं जो हेल्थ के लिए अच्छे, उसको पियो ना, ये जहर को क्यों पियोगे, ठीक है ना। कोशिश करना चाय को भी धीरे धीरे छोड़ देने के लिए चाय को। इसलिए कोई नस्ली वस्तु नहीं लेनी चाहिए, और दूसरी गुटखा तो लेनी ही नहीं चाहिए, शराब तो लेनी ही नहीं चाहिए, ठीक है ना। तीसरी चीज है स्त्रियों, बोले ये स्त्रियों के ऊपर में भी कली का निवास। बोले से कौन सा स्त्रियों के ऊपर में, बोले जो व्यक्ति अवैध रूप में पुरुष स्त्री और स्त्री पुरुष को संग करते हैं, संसार करो, अच्छी बात है, शादी करके अपना धर्म पत्नी को साथ में अपना घर गृहस्थी को, ऐसे नहीं शादी नहीं कहे किए बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बना कर घूम रहे हो। शास्त्र एकदम ये चीज को मना किया है। और पंचम स्कंध में तो बताए कितना दंड इनको मिलता है, गर्म स्त्री एक लोहे की उसको जोर जबरदस्ती आलिंगन कराते हैं मरने के बाद। इसलिए घर गृहस्थी करो, शादी करके
धर्म पत्नी को साथ में अपना संसार बेटा। जो चौथा नंबर है ये जीव हिंसा। जीव हिंसा मतलब होता है ये मांस मछली अंडा प्याज लहसुन इसको नहीं लेनी चाहिए। इसलिए मांस मछली नहीं खानी चाहिए हैं, नहीं खानी चाहिए। ये जो मांस है ये जीव हिंसा है और जीव हिंसा को सबसे बड़ा पाप बताया। इसलिए इसका नाम मांस। मांस मतलब क्या? मान मतलब मुझको, सह मतलब वह, मतलब अभी जिसको तुम खा रहे हो फिर बाद में तुमको दोबारा जो खाएगा। इसलिए अंग्रेजी में कहते मीट। मीट मतलब क्या? मी ईट। उल्टा तो ईट मी, मतलब अभी जो तुम जिसको खा रहे हो बाद में फिर तुमको जो दो बार फिर खाएगा। क्योंकि जो पाप है ना वो अपना बाप को भी नहीं छोड़ता है। पाप अपना बाप को, कर्म फल अपना किसको छोड़ता नहीं। इसलिए भागवत में की कथा ये, एक राजा थे जिनका नाम था सुरत राजा। वो यज्ञ में पशु बलि देते थे। एक दिन नारद से मिले, बोले ये सब क्या कर रहे हो? बोले यज्ञ में पशु बलि दे करके भोजन करता हूँ। बोले बेटा इसका फल क्या जानते हो? बोले क्या है? बोले देख लो। उन्होंने दिखा दिया संग संग साथ साथ कमंडल से पानी लेकर के मंत्र पूज करके ऊपर में जब छिड़का दिया ना वो शरीर तो छूट गया। इतने में तीन जंतु तो आए, गले में रस्सी बांध करके घिसड़ते हुए ले जा रहे थे। और पूर्व जन्म में जितने जानवर को उसने मारा था सब के सब लाइन करके खड़े हुए एकदम खड़ग लेकर के। बोले तुम लोग कौन हो? बोले याद है पहले जन्म में तुमने काट कर खाया था? बोले बेटा पाप अपना बाप को भी नहीं छोड़ता है। उसको शरीर को टुकड़े टुकड़े कर काट रहे थे, चीख रहा था छोड़ दो छोड़ दो। बोले जब हमें खाया था बड़ा मजा आ रहा था हैं। इतने में शिक्षक जब उसको कृष्ण फिर नारद जी पानी छिड़काव कराया फिर जिंदा हो गया। देखा शरीर कांप रहा था। बोले तुमने क्या देखा? बोले जितने जानवर खाया था सब के सब गोटी गोटी कर काट रहे थे, मेरे को क्या काटेंगे इसे? बोले बेटा कर्म का फल किसको नहीं छोड़ता। जीवन में अगर सुख पाना चाहते हो दूसरों को सुख दो, दूसरों को दुख दे कर कहीं किसको सुख नहीं मिलती है। ठीक है ना? ये सब चीज को हमें त्याग, चार चीज को त्याग देनी चाहिए। बोले तब चार चीज को जीवन में जोड़नी चाहिए। बोले चार चीज को क्या जोड़े इसको सुन लो। बोले पहला चीज जोड़े जीवन में, हर घर घर में जरूर ठाकुर जी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? जिसके घर में ठाकुर जी, और घर में ऐसे नहीं घर का जो रिजेक्ट स्थान कोई ठाकुर को बैठा दिया, नहीं, घर के सबसे बढ़िया जो स्थान हो वहां पर ठाकुर जी को बैठानी चाहिए। जहां पर ठाकुर जी के लिए सबसे घर के बढ़िया स्थान है। ठीक है ना? हम उदाहरण देते हैं ना, जैसे अपना शरीर को बढ़िया से सजाओ, बढ़िया से सजा करके शीशा को सामने खड़ा हो जाओ। देखे ना अपना शरीर को जैसे सजाओगे ना परछाई भी वैसे सज जाती है। मतलब क्या है? मूल है ठाकुर जी। आप ठाकुर को जितने अच्छे तरह से सेवा करोगे, स्नान कराओ, चरणामृत लो, ठाकुर को बढ़िया सुंदर कपड़ा पहनाओ, अगर तुम्हारे घर में ठाकुर जी खुश है ना तुम भी घर में संसार में खुश रहोगे। स्वयं देख लेना, भगवान अगर घर में प्रसन्न है तुम्हारे घर में सब कुछ प्रसन्न प्रसन्न रहेगा। अगर तुम्हारे घर में ठाकुर ही प्रसन्न नहीं हो, देखना भैया जितने पैसा आ जाए ना फिर घर में ये शांति सुख घर में नहीं देगा, घर में दुख ही दुख ही घर में आएगा। ठीक है? और कभी कभी हम क्या करते हैं ध्यान देकर सुना, कभी कभी हम क्या करते हैं, खूब तो दिन में दो बार साड़ी बदलाएंगे लेकिन ठाकुर का 10-15 दिन से ही कपड़ा पहना कर बैठा देते। ठाकुर जी को बैठा हुआ नहीं है। अभी बताया ना द्रौपदी भगवान के अंगुल कट गई, द्रौपदी ने थोड़ी साड़ी फाड़ कर बैंडेज कर दी, क्या हुआ? ठाकुर जी भरी सभा में उसको साड़ी दे दी। कितनी बड़ी सभा में। अगर भगवान की जितने अच्छे तरह से सेवा करोगे ठाकुर जी, देखो पुराण में बताया जैसे ठाकुर को जो कपड़ा पहनाते हो उसमें एक एक धागा होता है, ये पुराण कहता है।
ठाकुर जी को वस्त्र में जितने धागा तुमने दिए पहनाए तब उतना कल्प तक ठाकुर जी उसको वैकुंठ में धान देते हैं, अपना वैकुंठ में इतना कल्प तक स्थान देते हैं। जो ठाकुर जी को अच्छे अच्छे कपड़ा पहनाते जितने धागा होती इतने महिमा, ठीक है ना। ठाकुर को बहुत अच्छे तरह से ठाकुर को सेवा पूजा करो, जिसके घर में ठाकुर को सेवा पूजा अच्छा हो वही घर ही वृंदावन, वही घर ही वृंदावन है। इसलिए जरूर हर घर घर में गोपाल जी, लड्डू गोपाल, नहीं तो राधा कृष्ण, नहीं तो सीताराम, ना कि नारायण होनी चाहिए, एक नहीं सबके घर में। किसको घर में है हाथ उठाओ, तुम सबके घर में ताली बजाओ उनको लेके, जिनके घर में ठाकुर जी की अच्छी सेवा पूजा होती है, ठीक है। और जिनके घर में नहीं आप जरूर ठाकुर को लो। देखो एक चीज समझो, ये जो पैसा है ना, ये पैसा को कहते लक्ष्मी, क्या कहते हैं लक्ष्मी, किसकी, नारायण है ना, तुम्हारी लक्ष्मी नारायण। जब वो लक्ष्मी नारायण की सेवा में लगेगी फिर लक्ष्मी घर में घुस देगी, घर में शांति सुख देगी। अगर ये लक्ष्मी नारायण की सेवा में नहीं लगती है करोड़ों रुपया तुम्हारे घर में आ जाए, वो लक्ष्मी कभी भी तुम्हें घर में चैन में रहने नहीं देगी, कभी भी वो चैन में तुमको रहने नहीं देगी। क्यों? लक्ष्मी नारायण की सेवा में नहीं लग रही, वो लक्ष्मी नारायण की वो तुम्हारी है ही नहीं, तुम्हारा तो भ्रम हो गया पैसा मेरी है, ठीक है ना। एक छोटी स्टोरी सुनाओ, आप सोचोगे घर में जो ठाकुर जी है वो थोड़ी बोलते हैं, वो थोड़ी खाते हैं, तो कुछ बोलते नहीं, वो तो चुपचाप बैठे हुए हैं भैया, चुपचाप देखने के लिए तो चुपचाप बैठे हुए हैं, लेकिन इनकी इशारा पर ही ये सारा दुनिया इनकी इशारा पर ही चलता है। देखो एक छोटी कहानी सुन लो, एक समय अयोध्या की बात ही सच्ची घटना है। एक समय एक गुरु और एक चेला रहते थे, चेला बहुत छोटा बच्चा, वहाँ पर राम दरबार है। अभी गुरु जी को किसी काम के लिए नहीं जाना है, तब उसको बेटे छोटा शिष्य का नाम था रामदास, बोले रामदास मैं कुछ दिन के लिए बाहर काम के लिए जाऊँगा, तुम ठाकुर को सेवा कर लोगे? बोले गुरु जी अगर आपका आदेश होगा क्यों नहीं कर लूँगा। बोले देख बेटा ठाकुर को बढ़िया से खिलाना मिलाना। बोले गुरु जी कोई चिंता मत कर, मैं सब कुछ कर लूँगा। गुरु जी चले गए, अभी घर में रोटी सब्जी उन्होंने बनाया और दाल बना करके, छोटा बच्चा कभी देखा नहीं ठाकुर को सेवा करते हुए गुरु जी को, ये छोटा बच्चा था वो क्या सोचता था, जैसे हम बैठ करके रात रोटी दाल सब्जी खाते हैं ना, ठाकुर भी बैठ करके खाएंगे। बोले ठाकुर जी आओ बैठो भजन करो, लेकिन देखा ठाकुर जी भगवान राम सिंहासन से उतर भी रहे, बोले ठाकुर वहीं से खड़े। बोले ठाकुर जी गुरुदेव बोल करके गई अच्छे तरह से ठाकुर को सेवा करना, अगर आप भोजन नहीं करोगे तो गुरु जी गुस्सा करेंगे, आप तो गुरु जी को हाथ में रोज खाते थे, मेरे हाथ में क्यों नहीं खाया, आप ठाकुर जी प्यार से बैठो भजन करो। लेकिन तब भी ठाकुर जी नहीं आए। बोले ठाकुर जी अगर नहीं आओगे ना, जब अयोध्या गए हो वहाँ सरजू बहती है, बोले अगर नहीं आएगे तो सामने सरजू नदी, इसमें मैं आत्महत्या कर दूंगा। सचमुच से वो बच्चा आत्महत्या करने के लिए गया, जब जा रहा था इतने में भगवान राम हिल गए, भगवान राम हिल गए, हनुमान जी को बोले हनुमान जी जल्दी जाओ उसको पकड़ो अब लेकर के आओ, बोले ठाकुर जी भोजन कर रहे हैं। इतने को छलांग लगाने जा रहे थे, हनुमान पीछे पकड़ लिए, बोले देखो ठाकुर जी भोजन कर रहे हैं। बोले कर रहे हैं? बोले हाँ। ए बच्ची बीच में तू खड़ी, उसको बैठ बैठा हुआ बैठ जाओ वहां पर, खड़ी क्यों हो गई? इसलिए तब उन्होंने इतने में हनुमान जी पकड़ करके लाए, देखा सचमुच से ठाकुर जी भोजन कर रहे, बड़ा खुश हो गया। लेकिन वो छोटा बच्चा था, रोज जाए गांव में चून लाए, आटा लाए, अकेले लकड़ी लाता है, अकेले पत्ता लाता है, अब छोटा बच्चा कितना करेगा। जब तीन चार दिन सेवा कर लिया ना, बोले ठाकुर जी मेरे से रो नहीं पा रहा, अकेला अकेला क्या करूँ। ठाकुर बोले बताओ ना हम भी मदद करेंगे। राम बोले बताओ मुझे क्या करनी चाहिए। बोले घर के बाबा आप पिताजी आप थोड़े से पत्ता धोना बनाना। बोले वही बात नहीं भैया, लक्ष्मी सीता बोली बताओ मुझे क्या करनी चाहिए। बोले आप तो घर की माँ क्या करती है, रोसी बनाती है। बोले आप रोसी बना दो। बोले बेटा 14 साल तक जो वनवास नहीं रोसी बनाया। लक्ष्मण बोले मुझे क्या करनी चाहिए।
बोले आप जंगल से थोड़ी सूखी लकड़ी ले आना। बोले मैं तो 14 साल तक यही काम था, सूखी लकड़ी लाता था। हनुमान जी बोले मुझे क्या करना, बोले और जितना काम तुम देख लेना। बोले भैया काम मेरा यही है, अभी ये केवल ये भिक्षा करके लाता है और भैया सीता बड़े सुंदर सुंदर पकवान बना के रोज रोज बढ़िया ठाकुर जी को भोग लग रहा है। कुछ दिन बाद में गुरु जी का एक पत्र आया, बोले बेटा रामदास हमको जो संत लोग आ रहे हैं एक टाइम के लिए तुम खाने पीने का व्यवस्था कर देना, फिर आ करके मैं देख लूंगा। तो उन्होंने पत्र माता सीता जी को दिखाई गुरु जी का पत्र, बोले बेटा कोई चिंता मत करो तुम थोड़ी सी ज्यादा भिक्षा ले आना मैं बना दूंगी। तो गुरु जी को पत्र लिखा, बोले गुरु जी कोई चिंता मत करो भगवान राम पिताजी बड़े सुंदर धुना पत्ते बनाते हैं, माँ जानकी रोज रोज 56 भोग 36 व्यंजन बनाती है, भैया लक्ष्मण रोज सूखे सूखे लकड़ी ले आते हैं और हनुमान भैया तो सारे काम करते थे, इसलिए पिताजी कोई चिंता मत करो। भैया बोली जितने संत आना चाहते आए। गुरु जी का तो पता नहीं क्या हो रहा है, गुरु जी देख करके बोली पागल क्या कह रहा है, भैया सीता रोसी बनाती है लक्ष्मण लकड़ी ले आते, उसको तो मुझे पता ही नहीं। अभी गुरु जी बड़ी चिंता करते करते आए, कुछ संत आए क्या भोजन करेंगे। सचमुच से आकर के देखा इतना वहां पर अन्न व्यंजन बना हुआ, इतना बना हुआ इतना सारे बनाया किसने, देखा माँ जानकी स्वयं कोने में बैठी हुई और सारे रसोई बना रही है और गुरु जी को देख करके माता जानकी थोड़ी सी मुस्कुरा दी और वहीं से अंतर ध्यान, वहीं से अंतर ध्यान हो गई माता जानकी। जब अंतर ध्यान हो गई इतने में बोले बेटा ये कैसा क्या बात है, बोले गुरु जी जब चले गए ना ठाकुर तो भोजन नहीं कर रहे थे, मैंने जब रोने लग गए तो भोजन किए और 2-4 दिन बाद में मैंने कहा अकेला नहीं कर सकता, फिर अकेला मैं भिक्षा लाता हूँ ये सब करे। बस गुरु जी कितने खुश हो गए, बोले बेटा तेरे जैसे शिष्यों को पा करके मेरे जीवन भी धन्य हो गया, मेरे जीवन तेरे जैसे शिष्य को पा करके। इसलिए आप लोग सुना होगा एक भजन है, इतना कोई कहते हैं भगवान आते नहीं और द्रौपदी जैसे तो लाते नहीं, कोई कहते हैं भगवान खाते नहीं बोले सबर के जैसे तो खिलाते नहीं, कोई कहते हैं भगवान नाचते नहीं ब्रज गोपियां जैसे तो नचाते नहीं, कोई कहते हैं भगवान सोते नहीं भैया जसोदा जैसे तो। देखो इसका मतलब तुम्हारे घर में जो ठाकुर बैठे हैं ना साधारण मत समझना, सारा दुनिया अनंत करोड़ विश्व ब्रह्मांड जो घर में छोटी सी बैठा हुआ लड्डू गोपाल रूप में अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड उसकी इशारा पर चलते हैं, इसलिए घर में बढ़िया से ठाकुर को सेवा करना ठीक है ना। और बगैर प्याज लहसुन के, बगैर प्याज लहसुन के जिसके घर में बताया ना कल, जिसको घर में प्याज लहसुन बनता है ठाकुर को भोग नहीं, देखना वो घर में ठाकुर है ही नहीं, जितने भी दिखाई पड़ता है गोपाल को हमने रखा वो मूर्ति केवल वो ठाकुर नहीं, वो केवल एक मूर्ति रूप में एक स्टैचू रूप में प्रतिमा बैठी हुई, तुम्हारे घर में ठाकुर है क्यों, तुम खुद चकमाल घोट रहे हो बढ़िया बढ़िया प्याज लहसुन डाल करके और ठाकुर को बेच बैठा कर देंगे हैं, एक बैठा कर रख दिया, इसलिए क्या करना घर से प्याज लहसुन को त्याग देना, प्याज लहसुन को कल मैंने बताया था ना गैया की माँ से प्याज बनी, गैया का हड्डी से ये लहसुन बना हुआ, गैया की खून से ये मसूर डाल बनी है। अब स्वयं देख लेना तुम्हारे घर में 2-3 पीढ़ी पहले ये 3 चीज घर को कोई नहीं घुसा सकते, इसलिए जब नवरात्रि आती है 7 दिन तक घर में ये चीज को कोई नहीं लाते हैं, ठीक है ना। ये पहला निष्ठा है, कौन सा निष्ठा है, कहते ठाकुर का निष्ठा। दूसरा जो निष्ठा है हर घर घर में तुलसी की पौधा जरूर होनी चाहिए, तुलसी पेड़ होनी चाहिए। किस किस घर में तुलसी वृक्ष है, हाथ उठाओ, हम लोग बहुत अच्छे हो, ताली बजाओ हम लोगों के लिए, आपके घर में तुलसी पौधा। देखो भगवान जब ये संसार से गए अपने आप को कहाँ रख कर गए, तुलसी। हम कहते ना चलो वृंदावन चलते हैं, बोले क्यों, बोले बांके बिहारी, वृंदावन मतलब क्या, वृंदा मतलब तुलसी, वन
मतलब जहाँ तुलसी का वन वहीं पर ठाकुर थे। हनुमान जी जब माता सीता को ढूंढने के लिए गए, क्या देख कर उतरे थे? तुलसी की वृक्ष देख कर उतरे थे। बोले ये तुलसी वृक्ष तो किसी भक्तों को जन्म होते हैं, इसलिए जब उतरे सचमुच से विभीषण से मिले, विभीषण से मिले, इसलिए अगर तुलसी वृक्ष होगा ना, हनुमान भी तुम्हारे घर में उतर करके आ जाएंगे। और जहाँ तुलसी वृक्ष रहेगी, जितना दूर तक उसका हवा वातावरण फैलेगी, वहाँ उतना दूर तक कोई बीमारी, कोई पाप, कोई नहीं आएगा। इसलिए हमारे हिंदू घर में क्या करते थे, आंगन में तुलसी वृक्ष लगाते थे। बोले क्यों? बोले जहाँ तुलसी वृक्ष होगी, कल कथा सुन रहे थे ना तुलसी की कितने महिमा, जहाँ वहाँ वज्रपात वज्र नहीं गिरेगी और कोई भूत पिशाच वहाँ पर प्रवेश नहीं करेगा है, जहाँ तुलसी ये साक्षात माँ लक्ष्मी है। इसलिए गले में क्या करनी चाहिए, तुलसी की कंठी जरूर पहनो। इसलिए जब महाराज कहते हैं जमदूत को, बोले जो भक्ति करते हैं उनको मत लाना, जिसको करते नहीं लाओ, बोले पता कैसे चलेगा कौन भक्ति करता नहीं करता। देखो क्या उदाहरण देते हैं, बोले दो तरह के कुत्ते हैं, कितने तरह के कुत्ते हैं, दो तरह के, एक पालतू और एक फालतू। कैसे पता चलता भैया पालतू? गले में उसकी पट्टा बंधा हुआ रहता है, पता चलता कुत्ता किसी घर की कुत्ते हैं ये पालतू, लेकिन जिसकी गले में पट्टा नहीं वो फालतू। आप देखना पालतू को तो कोई मारता नहीं और फालतू को कोई, इसके गले में तुलसी कंठी होता आप किसके पालतू है, बांके बिहार के पालतू है। और जिनकी गले में तुलसी कंठी नहीं वो सब कौन है? अरे बोला तुम लोग फालतू हो सब। हाँ, इसलिए जिनकी इच्छा हुई कि आज तुलसी माला ले लेना, लेकिन तब भी तुलसी माला देते हैं जब कोई पूरा प्याज लहसुन तक भी नहीं खाई, एक तो मांस मछली खाई नहीं और प्याज लहसुन भी नहीं खाए। इसलिए ले जाना ठीक है तुलसी को खाओ, इसलिए गले में तुलसी वृक्ष की सेवा करो, तुलसी वृक्ष की सेवा से रोज पानी देना, परिक्रमा करना। देखो तुलसी लक्ष्मी है, आप देखे होंगे सालग्राम को साथ में शादी होती है, अगर घर में तुलसी वृक्ष रखोगे, घर में तुलसी वृक्ष की पूजा करोगे ना, घर में लक्ष्मी की भी कृपा हुई हो, खूब पैसा आएगा घर में तुम्हारी माँ लक्ष्मी के आशीर्वाद से। अब जो तीसरा जो निष्ठा है एकादशी निष्ठा, कौन सा निष्ठा? इसलिए जरूर सबके साथ एकादशी व्रत, जरूर एकादशी व्रत करना। एकादशी व्रत की बड़ी महिमा है, एकादशी व्रत की बड़ी महिमा है। हाँ हरे कृष्ण, एकादशी का स्नान आज राशिया बड़ा महिमा आपके एकादशी। हाँ देखो एकादशी की कथा सुना सुनो तो हरे कृष्ण। हाँ सुन लो एकादशी क्या महिमा सुना लो, सभी दोनों हाथ उठाकर एक बार जोर से बोलो, बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे हरे। देखो आप लोग गुरुदेव के मुखारविंद से आज भागवतम का अंतिम दिवस है, और विशेष करके जीवन में क्या चीज अपनानी चाहिए और क्या चीज छोड़नी चाहिए उसके विषय में हम चर्चा कर रहे हैं, है ना। भागवतम में चार चीजों का वर्णन किया जो कि ग्रहण करने योग्य नहीं, दुतम पानम स्त्रियम और सोना। हाँ लेकिन क्या ग्रहण करना चाहिए, प्रत्येक घर में ठाकुर सेवा, प्रत्येक घर में तुलसी जी होने चाहिए, माताओं को सुयोग मिलते और बात करना चालू कर देती है, मुंह में खुजली चल रही है, एक मिनट भी ना चुप नहीं रह सकते। यहाँ पर सब मिल गए ना, घर में कोई मिलते नहीं। अरे दो घंटा भर और कथा होगी, थोड़ा मन योग देकर श्रवण करो और उसके बाद में बातें चलती रहेगी जीवन भर, हम भी चले जाएंगे आपकी बातें चलते रहेगी। लेकिन बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। देखो एकादशी के विषय में हमने गुरुदेव के मुखारविंद से पहले भी श्रवण किया, एकादशी को बतलाया गया कल्प वृक्ष। क्या बताया? कल्प वृक्ष का अर्थ होता है एकादशी व्रत करके यदि हम कुछ भी इच्छा करें वो सारी इच्छा भगवान पूर्ण कर देंगे। एकादशी को कल्प वृक्ष इसलिए बतलाया गया है, जो लोग एकादशी व्रत रखते हैं आप देखना
एकादशी साल में 24 एकादशी आती है और अलग अलग एकादशी का अलग अलग नाम है। एक एकादशी का नाम है इंदिरा। इंदिरा एकादशी यदि कोई पालन करे, इंदिरा मतलब होता है लक्ष्मी। अगर ये एकादशी कोई पालन करेगा घर में कभी पैसे की कमी नहीं होगी, लक्ष्मी की भरपूर कृपा बनी रहेगी। एक एकादशी का नाम है पुत्रदा। सुन रहे थे ना, नंद यशोदा ने साक्षात ये पुत्रदा एकादशी पालन करके और कृष्ण का पाया। कृष्ण पहले नहीं थे घर में, कृष्ण का जन्म हुआ साक्षात पुत्रदा एकादशी पालन करके। एक एकादशी का नाम है पाप मोचिनी। पाप मोचिनी मतलब जो सारे पापों को विनाश कर दे। विचार करके देखो, हम दुख कष्ट क्यों भोग कर रहे हैं? हमारे जीवन में जो भी विपत्ति आती है, जो भी दुख आता है, कारण क्या है? बोले पूर्व जन्मों में पाप करते आए हैं, इस जीवन में भी जाने हो या अनजाने हो पाप हो जा रहे हैं। लेकिन यदि कोई ये एकादशी पालन करे, पाप मोचनी एकादशी पालन करे, उसके सारे पापों का क्षय हो जाएगा, सारे पाप दूर हो जाएंगे। एक एकादशी का नाम है मोक्षदा। क्या नाम है? मोक्षदा एकादशी। अर्थात ये एकादशी व्रत कोई पालन करे, निश्चित रूप में मृत्यु के बाद में भगवान के धाम को जाएगा। मोक्षदा अर्थात मोक्ष प्राप्ति होगी, वैकुंठ लोक को चले जाओगे। देखना, हमने तो हमारे गांव में भी साक्षात देखा है, कोई कोई वृद्ध लोग जिनके प्राण अटक जाते हैं गले में, है ना, कितने बिस्तर पे पड़े रहते हैं कितने समय तक। अगर किसी ब्राह्मण को आप बुलाओगे, वो ब्राह्मण भी एकादशी व्रत करके और एकादशी दान करने को कहेगा, होता है ना। एकादशी व्रत दान करने का इतना फल है, एकादशी मतलब ये अर्थ नहीं हुआ कि उसको करने से मृत्यु हो जाएगी, केवल मेरा अर्थ ये है कि पाप से मुक्ति करा के और मोक्ष प्रदान कर देगा। इसीलिए कल्प वृक्ष, कोई मंगलवार का व्रत रखे शिव जी के लिए, कोई भी बुधवार का, कोई गुरुवार का, अलग अलग अगर आप व्रत रखोगे, देखो व्रत रखोगे तो उसका फल मिलेगा। सोमवार व्रत किया, शिव जी खुश हो गए, आपको आशीर्वाद दे दिया। नहीं किया तो कोई नुकसान भी नहीं, तुम तुम्हारे घर रहो, शिव जी अपने मंदिर में, है ना। मंगलवार व्रत किया बालाजी के लिए, प्रसन्न हो गए, आपको वर दे देंगे। लेकिन नहीं किया तो कोई हानि भी नहीं है। एकादशी व्रत लेकिन शास्त्र कहता है सभी को करना ही पड़ेगा। शास्त्र कहता है एकादशी के दिन अगर किसी ने अन्न खाया, अन्न मतलब गेहूं, चावल, दाल, सरसों इत्यादि, ये अगर किसी ने ग्रहण किए हैं तो उसको साक्षात पाप भोजन करेगा। वो साक्षात पाप भोजन कर रहा है एकादशी के दिन। अन्न में नर हत्या, भ्रूण हत्या, माता पिता की हत्या, ब्रह्म हत्या, ये सारे पाप एकादशी के अंदर अन्न में निवास करते हैं। इसीलिए एकादशी के दिन अन्न खाना मतलब पाप भोजन ग्रहण करना, साक्षात पाप खाना। विचार करके देखो, पाप खा के क्या हम खुश रह पाएंगे, खुश हो पाएंगे? कभी सुखी नहीं रह सकता। जो व्यक्ति एकादशी व्रत का पालन नहीं करता, विचार कर रहा है कि हम अन्य अन्य देवी देवताओं की पूजा करके और सुखी हो जाएंगे, संभव नहीं। क्योंकि एकादशी व्रत साक्षात कृष्ण के लिए है। भक्ति विनोद ठाकुर वर्णन करते हैं, माधव तिथि भक्ति जननी यतने पालन करे, कृष्ण वसती वसती बाली परम आदर वारी। कहते हैं माधव तिथि अर्थात किसकी तिथि है? कृष्ण की। ये तिथि में साक्षात कृष्ण निवास करते हैं। अगर ये व्रत कोई पालन करे, भक्ति जननी, ये भक्ति को जन्म देगी। ठाकुर के प्रति आपका जो भाव है वो किस प्रकार जन्म होगा? एकादशी व्रत कोई निष्ठापूर्वक यदि पालन करें। इसलिए एकादशी व्रत सबके लिए कंपलसरी है, 8 साल से लेकर 80 साल की उम्र तक सभी को करना चाहिए। 8 साल से छोटे वाले छोड़ सकते हैं, 80 साल से ऊपर वाले छोड़ सकते हैं। यदि कोई कुछ बीमार है, कुछ टैबलेट वगैरह लेते हैं, खाने के लिए कोई मनाही नहीं है। 2 बार खाइए, 3 बार खाइए, लेकिन केवल मात्र अन्न ग्रहण नहीं करना, है ना। फल, मूल, दूध, दही, खाने को तो बहुत सारी चीजें हैं, केवल मात्र अन्न ग्रहण नहीं करना। एकादशी व्रत निष्ठा पूर्वक पालन करना चाहिए। आलू की सब्जी बना कर खाओ, काशी फल, पपीता, बहुत सारे खाने के लिए। तो हमारे मंदिर में बाबा लोग कहते हैं, भैया कब एकादशी आ, क्यों बोले रोज रोज रोटी चावल सब्जी, लेकिन एकादशी दिन पकौड़ा फोटुआ के भी पकौड़ा मिल जाते हैं, कभी फूट क्रीम बना देते हैं, और बना के कभी खीर बनती है, आलू की बढ़िया सुंदर आलू का बना बढ़िया सब्जी। कहते भैया रोज रोज एक ही चीज़ खाते हैं,
कब एकादशी आई थोड़ा मुँह बदल जाए और स्वाद बदल जाए, इसलिए एकादशी खाने के लिए बहुत सारी चीज़ें, लेकिन एकादशी का दिन कब अर्थ बताया करो, ठीक है। और एक चीज़ है, कुछ कुछ लोगों का मन में भ्रम है, एकादशी व्रत तो केवल विधवा को करनी चाहिए, सधवा को नहीं करनी चाहिए। नहीं, आप आगे बात पढ़ करके देखो, भैया जसोदा क्या विधवा थी, अंबरीश से महाराज की कथा थी, उनका पत्नी की विधवा थी। और जो सबसे जो बड़ी एकादशी निर्जला पांडवा निर्जला, जिसको द्रौपदी पंच पांडव को साथ में करती थी, क्या द्रौपदी विधवा थी? नहीं, इन लोगों को अंदर भ्रम नहीं। तीसरी चीज है, कोई कोई कहते भैया उद्यापन करना पड़ेगा, नहीं, हमारे वैष्णव जगत में उद्यापन का कोई नाम नहीं है। उद्यापन मतलब तक वो त्याग दे दो। अब इतना दिन तक कि ये एकादशी को ये लक्ष्मी राधा रानी का स्वरूप है, ये भक्त जन ने बताया, ये राधा रानी के स्वरूप है, घर में राधा रानी आज थोड़ी राधा रानी को त्याग दे दो, नहीं। जितना दिन तक तुम्हारी समर्थ है उतना दिन तक रखो, अगर समर्थ नहीं तो नहीं रखो तो तुम्हारे कोई पाप को नहीं लगेगा, भगवान बड़े दयालु। एकादशी की इतने महिमा पुराण पढ़ कर के देखो, दो पति पत्नी थे, उनको पता नहीं था आज एकादशी, और सवेरे उठे झगड़ा हो जाता नहीं कभी कभी पति पत्नी में, इतने में पति तो बिगड़ गया, बोले सवेरे होते ही तू तो मैं करने लग गई, आज मैं खाना नहीं खाऊंगा, पत्नी बोली मैं बनाऊंगी तब तक खाऊंगी, आज मैं खाना ही नहीं बनाऊंगी, लेकिन उनको पता ही नहीं था आज एकादशी, दोनों का निर्जला एकादशी हो गया। पुराण में बताया अगले जीवन में वो रूपमापद राजा बनकर के जन्म हुए, वही उनकी पत्नी उनकी पठनानी बनकर के जन्म हुई, एक एकादशी निर्जला अनजान में हो गई, तो इतने महिमा एकादशी की, ठीक है ना। इसलिए सबके सब एकादशी व्रत रखियो, और एकादशी व्रत करके बड़े आनंद में रहो। और दूसरे दिन एक समय होता है, इतने समय को अंदर में व्रत खोलनी चाहिए, ठीक है ना। इसलिए जो एकादशी व्रत रखेंगे आज जाते समय जो माला लिए हो एक एक माला ले लेना, और अपना नाम और अपना फोन नंबर दे देना, आपके फोन में व्हाट्सएप में हम भेज देंगे एकादशी व्रत कब है, दूसरे दिन कितने बजे समय में व्रत खोलो, क्यों व्रत अगर टाइम से खोलोगे तभी एकादशी का पूरी फल मिलेगा, ठीक है। जाते समय इतना काम करके जाओ, और देखो, और जो चतुर्थ जो निष्ठा नाम निष्ठा, ठीक है। और देखो अभी प्रभु जी नाम की बात में बताएंगे, देखो हमारी मंदिर में वृंदावन में अभी अगले महीना 8 तारीख से झूला पड़ेगा, क्या पड़ेगा, बड़े सुंदर झूला है, ये माता जी को पूछ लो, माधव दीदी को, जीवन में कभी इतने सुंदर झूला ही नहीं देखे होंगे, ये 8 तारीख से झूला 5 दिन तक पड़ेगी, और 3 दिन तक बड़े बड़े संत लोग आकर के बड़े सुंदर सुंदर कथा सुनाएंगे संत की जीवन चरित्र में। इसलिए अगले महीना 8 तारीख से लेकर के पूर्णिमा तक झूला पड़ेगी, और ये लोग तो आते हैं आकर के मंदिर में रुकते ही वहीं पर रहते हैं, अगर आप लोग कोशिश करना आने के लिए, ठीक है, इधर उधर घूमने के लिए आते हो, अभी से प्लान ही करो, अभी से प्लान बनाओ, आप वृंदावन में झूला में जाएंगे, ठाकुर को झूला दर्शन करके आएंगे, एक दो दिन रुकना जैसे आपकी इच्छा होगी, एक दो दिन रुकना झूला का आनंद लो, दर्शन करके आओ, ठीक है। और हमारे मंदिर में कार्तिक महीना की परिक्रमा होती है, 1 महीना तक पूरा ये 84 ब्रज मंडल, भागवत में जितने जितने कथा आप लोगों ने सुनी, कृष्ण कहाँ बंसुरी बजाए, कहाँ पुतना मारी, कहाँ के गिरिराज उठाए, पूरा 1 महीना तक दर्शन होता है। बीच बीच में ये माताएं आती हैं, जैसे अर्घ पूजा में गोवर्धन पूजा में बड़ी महिमा है, इसलिए आप लोग भी आप बीच बीच में इनको साथ में थोड़ा जोगाजोग रखना, ये आप लोगों को ले आएंगे, हैं समय समय पर आपको वृंदावन और झूला में कोशिश करना, ठीक है। कौन कौन आएगा हाथ में, देखो वो तो आती है, आओगे आप लोग, हाँ जरूर आना झूला में, बड़ा आनंद आएगा झूला में दर्शन करके, बड़ा खुश हो जाओगे, ठीक है। अभी हमारे गोविंद प्रभु जी आपको नाम की महिमा को ऊपर कुछ कथा सुनाएंगे, हरे नाम महिमा कैसे करनी चाहिए, आप तुरंत एक कहीं बैठ जाओ, हरे कृष्ण इधर सुना, हाँ थोड़ी सी इधर सुना, ध्यान दे करके सुना, देखो ये 7 दिन तक ये भागवत कथा हुई, ब्रजेश तुम लोग कोई पेपर में नाम लिखे हो, कहाँ है, बुला करके ले आओ,
जब रेडी कर ला फिर तो तू बना गौर चंद्राय राधिकाय तदाय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय पंचकृष्टुभ्यम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे सर्वदा मणि कृपा पद्म नित्य लीला प्रविष्टो विष्णुपाद स्तोत्र शिष्य शिष्य भक्ति वेदांत श्री नारायण को स्वामी महाराज जी का चरण कमलों का प्रणाम प्रणाम करते हुए उनसे उनकी कृपा वांछना करता हूँ। तत्पश्चात व्यास आसीन पूज्य पाद मुक्ति वेदांत श्री नारायण स्वामी महाराज जी के अभय चरण कमलों में पुनः पुनः दर्पण प्रणाम करते हुए उनसे उनकी हेतु की कृपा की प्रार्थना करते हैं। तत्पश्चात समस्त उपस्थित वैष्णव वैष्णवी हरि कथा पिपासु भाई बहन सभी के चरणों में मेरा यथा योग्य प्रणाम। देखिए हम 7 दिन से इस मधुर धारा में क्या है कि धारा है इसमें बह रहे हैं। आप पानी में हाथ डालते हो हाथ बाहर निकालते हो तो हाथ कैसा हो जाता है कैसा हो जाता है गीला ना। अब ये हरी कथा रूपी मंदाकिनी बह रही है इस 7 दिन से भागवत रूपी ये गंगा बह रही है इसमें यहाँ पे आप डुबकियां लगा रहे हो गोते लगा रहे हो तो यहाँ से बाहर निकलोगे तो कैसे होने चाहिए भागवतमय होना चाहिए। ये भागवत कथा का सार क्या है भागवत कथा का सार है हरि नाम संकीर्तन। अरे जो ना ओके मंदिर का आप लोग ये है ना घर का इधर आ जाओ ये जो जिनके घर है ये है आप लोग ना अरे तो आगे आ जाओ इधर अशोक जी के परिवार के हैं जो मकान के इस जगह के मालिक हैं वो आगे आ जाए। तो कैसा है ये भागवत का सार क्या है हरि नाम। ये हरि नाम का अद्भुत ही प्रभाव है। आप प्रश्न कर सकते हो इधर ध्यान दीजिए पीछे मत देखिए पीछे कोई नहीं है कुछ नहीं पीछे वाले एकदम पीछे देखने लग जाते हैं। देखिए ये जो भागवत है हम बता रहे हैं हरि नाम के बारे में हरि नाम महिमा के बारे में तो एक प्रश्न आप लोगों के हृदय में आना चाहिए कि अरे बाबा लोग 7 दिन से हरि नाम हरि नाम हरि नाम चला रहे हैं हरि नाम से कोई फर्क पड़ता है आपको बाबा हो बाबा क्या है बेहतर मतलब रमदा जोगी बहता पानी आपको जगह जगह जाते हो ना आपको आनंद में डूब रहे हो। अरे कोई गृहस्थ है जो इस आनंद में डूब रहा हो ऐसे अद्भुत आनंद में हो। यहाँ पे पहले एक प्रश्न में है मेरा उसका उत्तर कोई ऐसा परिवार है जिसमें आज तक कभी झगड़ा ना हुआ हो क्या बात है पति पत्नी में कभी झगड़ा नहीं हुआ हो बच्चों में कभी झगड़ा ना हो सास ससुर माता पिता कभी झगड़ा ना हो नहीं है ना। अब इस हरि नाम का देखिए प्रभाव देखिए इस हरि नाम की महिमा देखिए कि एक गृहस्थ परिवार है जिसको हम अच्छे से जानते हैं दिन रात देखते हैं उनका स्मरण भी कर लेते हैं कई बार उस परिवार में अगर हम देखेंगे हरि नाम का प्रभाव दिखाई देगा। शिव जी को जानते हो वैष्णव नाम यथा शंभु वैष्णवों में श्रेष्ठ श्री शंभु श्री शिव और उनकी पत्नी कौन है पार्वती देवी है ना दुर्गा देवी वही तो है ना और उनके बच्चों के नाम क्या है
गणेश और कार्तिकेय, शिव जी कितने हाथ हैं शिव जी के? दो हाथ हैं पक्का। और दुर्गा देवी के कितने हाथ हैं? आठ। भागवत में कहा दस हाथ। जब प्रकट हुई ना, जब कंस पटकने लगा था पत्थर पे, तो हवा में प्रकट हुई दस हाथ। अब देखिए शिव जी के दो हाथ, दोनों हाथों में क्या है? डमरू तो त्रिशूल में बना हुआ है, वो तो कभी कभी निकालते हैं जब जरूरत पड़ती है, वरना रोज थोड़ी ना बजाते हैं। अगर डमरू बज गया ना तो प्रलय आ जाएगी। देखो एक हाथ में है त्रिशूल और दूसरे हाथ में है माला। और आप मैया के पास चलते हैं, मैया के दस दस हाथ, दसों हाथों में क्या है? क्या है दसों हाथों में? दसों हाथों में किसी में खड़ग है, किसी में फरसा है, अस्त्र शस्त्र है नौ हाथों में, बस एक हाथ में क्या है? माला। ये दोनों क्या कर रहे हैं? हरिनाम कर रहे हैं, हरिनाम कर रहे हैं दोनों। और इनके बच्चे देखो गणेश जी, गणेश जी ने नाम के बल पे ही, इस नाम महिमा से ही क्या किया, देवताओं में प्रथम पूज्य बन गए। जब एक जब वो हुआ था कंपटीशन कि सभी देवता कंपटीशन करेंगे सबसे पहले किसकी पूजा हो जाएगी, तब क्या हुआ था, सब अपने अपने वाहन पे चढ़ जाओ और ब्रह्मांड का एक चक्कर लगाया। तब गणेश जी ने क्या किया, एक पत्ते पे भगवान का नाम, गोविंद नाम, राम नाम लिया, लिखा और उनको अपने गुरु श्री शिव जी पार्वती उनके हाथ में दे दिया, और गुरु और कृष्ण दोनों की चार परिक्रमा लगाई और वहीं खड़े हो गए। और जब फैसला आया ना, तब पता चला कि गणेश जी ने तो ब्रह्मांड नहीं अनंत कोटि ब्रह्मांडों की चार चार परिक्रमा कर ली। ये है नाम की महिमा। और कार्तिकेय जी जब युद्ध लड़ने गए थे ना, असुरों से युद्ध कड़ा था, तो केवल हरि नाम जपा और ऐसा अस्त्र शस्त्र चलाए कि देव हो असुर दानव दैत्य सब भाग गए। अब देखो ये चार जने हैं एक परिवार में, हरि नाम पे आश्रित हैं, कोई झगड़ा नहीं है। अब अद्भुत चीज देखो, अभी तक तो ये सिंपल चीज थी, अब अद्भुत चीज देखो। हम लोग क्या कर रखा है, हमने अपने घर में सारी सुविधाएं रखी हुई हैं, एसी रखा है, फ्रिज रखा है, कूलर रखा है, हर चीज, गैस है ना, कोई है ऐसा घर की जो सुविधाएं नहीं रखी होगी, सब सुविधाएं। अरे बाइक में गर्मी लगती है तो फोर व्हीलर ले आए एसी वाला। हाँ हर चीज सुविधाएं सारी हैं, लेकिन फिर भी मन बड़ा भारी है ना। सब कुछ सेट है, जैसे महाराज जी कहते हैं ना, सब कुछ सेट कर लिया पर मन अपसेट हो गया। और यहाँ देखो शिव जी का घर कितना बड़ा है, घर ही नहीं है। देखो एक व्यंग की बात है, सीरियसली मत लेना, हर कोई शिव जी जैसा पति पता क्यों चाहती है, क्यों चाहती है शिव जी जैसा पति मिले, क्यों? सास ससुर का कोई झमेला नहीं, धोने को कोई कपड़े नहीं, खाना तो बनाना ही नहीं पड़ता, चूल्हा चौकी का कोई झंझट नहीं, झाड़ू पोछा का कोई झंझट नहीं, बस क्या करो बैठे रहो आराम से और शिव जी प्रेम करते रहे। पानी पानी शंकर जी की जगह में पानी पानी लाने का जरूरत नहीं, पानी भी देखो महाराज जी बता रहे गंगा जी बह रही है, पानी लाने की भी जरूरत नहीं। पर इनके घर में अद्भुत बात देखना, शिव जी का वाहन कौन है? और माता का वाहन कौन है? शेर क्या करेगा नंदी को? आ जाएगा। कार्तिकेय का वाहन क्या है? और गणेश जी का वाहन क्या है? मोर क्या करेगा? चोल खा जाएगा? नहीं, शिव जी के गले में क्या है? और सांप क्या करता है? चूहा खा जाता है, और सांप को मोर खा जाता है। अगर ऐसा तुम आपके घर में चार पांच जने हो जो एक दूसरे के जानी दुश्मन हो, घर में क्या हालत हो जाएगी सोचो। क्या शिव जी के घर में कोई हो रहा है कि शिव जी नंदी को पकड़ के बैठे हैं, माता रानी शेर को पकड़ के बैठी है, या सांप पकड़ रखा चूहे के पीछे मत जा, गणेश जी चूहा छुपा के बैठे कहीं मेरा चूहा ना खा ले कोई, और कार्तिकेय जी मोर को पकड़ रहे हो सांप को मत छेड़ियो, ऐसा कुछ हो रहा है? क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि ये पूरा का पूरा परिवार हरिनाम आश्रय है, हरिनाम करता है। अगर हम एक एक जन
देखना कभी कभी माता बहनें आती हैं, कभी कोई भाई भी आ जाता है, कभी कोई कोई बच्चा भी आ जाता है कि प्रभु जी मैं अपने घर में इकलौता हूँ जिसने अभी माला पकड़ी है, मैं कैसे करूँगा। हाँ सब तो बड़े एंटी हैं, तो आप एक खुद बात बता विचार कीजिए, मैक्सिमम गृहणियाँ ही बैठी हैं, आप जब घर की सफाई शुरू करते हो तो कहाँ से करते हो, घर के अंदर कोई कोना तो पकड़ते हो ना, कोई तो कोना पकड़ोगे ना, ये थोड़ी ना कि झाड़ू पकड़ा और सीधा ऐसे मारा और सारे कोने इकट्ठे साफ नहीं होगा ना, एक कोना तो पकड़ोगे ना। तो समझो आपके परिवार में आपके कुल में जिसके हाथ में माला आई है ना, जिसके मुख में ये हरिनाम गुरुदेव की कृपा से गया है ना, वो उस घर का कोना चुन लिया गया, उस कुल का कोना चुन लिया गया है। अब उस कोने से ठाकुर जी गुरुदेव सफाई शुरू कर देंगे। तो कौन कौन चाहता है मैं वो कोना बनूं, अपने कुल का, अपने घर का, परिवार का। देखो हाथ सोच समझ के उठाना, झाड़ू चलेगी फिर, ठीक है ना, हाथ सोच समझ के उठाना। देखो सब चाहते हैं ना। अब एक और चीज पे ध्यान देना बहुत जरूरी है, कौन कौन चाहता है कि उनके बच्चे जुआ खेले, शराब पिए, बाहर पड़े रहे, थाने से रोज रिपोर्ट आए, कौन कौन चाहता है, क्या आप चाहती हो, हाथ में खड़ा किया तो हाथ नीचे रखो ना, हम तो सोच रहे एक हमारी परी मांग गई, ना 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 हाथ नीचे रखो। देखो क्या चाहते हो कि बच्चे ऐसे बने ना, यहाँ पे जो बच्चे बैठे तिलक लगाए, घंटी पहने, है ना, बाहर जब आपका बच्चा निकले ना तो पड़ोसी भी बोले मेरा बच्चा ऐसा बन जाए, कैसा लगेगा आपको। कोई कहे अरे वो सुमित्रा का बेटा जैसा है ना, वो सुमित्रा की बेटी जैसी है ना, ऐसी मेरी बेटी हो जाए, ऐसा मेरा बेटा हो जाए, कौन कौन ऐसा बच्चा चाहते हैं। ठीक है, पर उसमें मेहनत करनी पड़ेगी। हमारे प्रभु जी ने बताया पहले आपको ये हरिनाम शुरू करना पड़ेगा, फिर बच्चों को जब ABCD पढ़ाते थे, हाँ 1+1 पढ़ाते थे तो थोड़ा स्ट्रिक्टली पढ़ाते थे ना, उसी तरीके से ये चीजें भी पढ़ाओ उनको। यहाँ पे कुछ बच्चे हैं अशोक नगर में, बड़े अच्छे से पढ़ रहे हैं, हाँ कुछ वैष्णव जन यहाँ पे बच्चों की क्लास करते भी हैं, और हम लोग और प्रयास कर रहे हैं कि इसको और अच्छे से चलाया जाए। तो सभी माता पिता और वो बच्चे अपना नाम और फोन नंबर लिखवा जाए हमारे पास, हमें लिखवा दे, वरना राधे है ना जिसने 2-3 दिन पहले कथा करी थी, उस बच्ची को नाम लिखवा दो, ताकि जब भी वो क्लास बच्चों की शुरू हो हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे कि हाँ अपने बच्चों को भेजो। मैंने की बस एक छोटी सी चीज़ है, वो मेरे को महिमा सुनानी है। अब देखो हरि नाम की ना एक साक्षात महिमा सुनाता हूँ। 2 साल पहले एटा में भागवतम हो रही थी, और भागवत में जनरली सब अपने जनों की फोटो रखते हैं, हाँ, तो उसमें एक फोटो ऐसी रखी थी कि जो लोग भागवतम करा रहे थे ना वो बच्चे की फोटो उनके घर के परिवार के लोगों से मैच नहीं कर रही थी। तो मैंने तो 3-4 दिन के बाद हाथ जोड़ के उनसे प्रार्थना करी, थोड़ी सी डर के, मैंने कहा यार कहीं ऐसा ना हो कि धक्का ही हो और मैं ही बोल रहा हूँ कि आपके घर का नहीं लग रहा। तो मैंने कहा प्रभु जी छोटे बच्चे की फोटो लगी हुई है, वो बच्चा आपके घर का नहीं लग रहा। तो उन्होंने बिठा लिया रात के 11:30 बजे, बैठो प्रभु जी आपको बताता हूँ, वो बच्चे की स्टोरी तो आपको सुननी पड़ेगी, वो तो बहुत जरूरी है। अच्छा ऐसा क्या हो गया, कहता है वो बच्चे की फोटो की स्टोरी सुनो, वे हैं वो जो प्रभु जी थे ना, मदन मोहन प्रभु हैं, महाराज जी के शिष्य हैं, वो वृंदावन में रहते हैं, वृंदावन में अपने घर का काम करवा रहे थे, तो मिस्त्री बेलदार वगैरह बुला रखे थे, तो एक मिस्त्री बिहार के साइड का था, ठीक है, तो उस मिस्त्री को अब देखो भक्तों के घर में कुछ भी करोगे तो भक्त को कुछ तो शिक्षा देगा। वो उनसे इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने मन ही मन ठान लिया कि महाराज जी से मिलेंगे और हम भी हरि नाम लेंगे, वो मिस्त्री ने ठान लिया। अब मिस्त्री के 2 बच्चे, एक बड़ा लड़का है, छोटा लड़का, तो वो क्या किया उसने बड़े लड़के को लाके महाराज जी से हरि नाम ले लिया और कह दिया महाराज जी आज से लहसुन प्याज सब गंदी चीजें बंद, आप मुझे कंठी भी दे दो। तो महाराज जी ने कहा ठीक है, देखो नियम लेना पड़ेगा। तो उनसे महाराज जी से हरि नाम ले लिया और कंठी लेके वो दोनों चले गए। अब छोटा बेटा कह रहा है पापा मैं भी लूंगा मैं भी लूंगा, कहते नहीं तू बहुत छोटा है, चल कोई बात नहीं अगली बार जब महाराज जी कुछ टाइम के बाद आएंगे तब तेरे को दिलवा देंगे। वो कहता रहा नहीं मुझे चाहिए मुझे चाहिए, पर माने नहीं। कुछ दिनों के बाद देखो क्या होता है, ये सत्य घटना जाके पूछ सकते हो उनसे। कुछ दिनों के बाद क्या हुआ, वो बच्चा सो रहा था रात को, तो पिताजी को दिखा रहा पिताजी कुछ खुजली हो रही है कुछ काटा,
करें मच्छर बहुत है, काट लिया होगा एक आधा मच्छर, सो जा। और थोड़ी देर के बाद ही वो पिताजी उठे, ऐसी थोड़ी सी नींद टूटी, बच्चे को हिलाया, वो ऐसे हिल रहा कुछ नहीं, मुंह से झाग निकल रहे, उसका पैर देखा पूरा नीला पड़ा हुआ है, सांप ने काट लिया, सांप ने बच्चे को काट लिया। और सुबह पता तो खबर तो चल गई सबको कि भाई सांप ने काटा है, तो जो गार्ड है कॉलोनी का गार्ड है वो कहता भूतों ना भविष्यति, ऐसा सांप मैंने अपनी जिंदगी में देखा, इतना मोटा इतना लंबा, और सांप तो ऐसे ऐसे चलता है, ये तो सुर से आया था। तो इनको लगा कि पता नहीं कैसा सांप है। अब देखो असली घटना अब शुरू होती है। उस बच्चे उस जो बेल मिस्त्री है उसका बाकी परिवार कहाँ रहता है बिहार में, तो उसकी बेटी भी है और पत्नी वहीं रहते हैं। अब ये बच्चा मरा है, एक दो दिन के बाद उस बच्चे की आत्मा अपनी बहन पे आने लग गई और कह रहा है ये जो आज मेरी दुर्गति हुई है ना, ये मेरे पिताजी की वजह से हुई है, ये मेरे पिताजी की वजह से मैं मरा हूँ। तो कह रहे हैं कि भाई तू कैसे मरा, बड़े डर भी रहे कि ये क्या कर रहा है और क्या बोलेगा। तो कहता है खुद अकेले अकेले जाके हरिनाम ले आए, हाँ, और गले में तुलसी डाल ली, वो पता कितना बड़ा टोटका करा था, वो पिताजी को मारने आया था, उसने पिताजी की तरफ देखा, ये तो हरिनाम लिया हुआ है, इसने गले में तुलसी डाल रखी है, फिर भाई की तरफ गया, भाई को देखा, इसने हरिनाम लिया हुआ है, इसने गले में तुलसी डाली हुई है, ऐसे सदगुरु कर रखे हैं, कहता वो मेरी तरफ मुड़ा, अब मेरे को तो कुछ नहीं दे रखा था आप लोगों ने, कहता वो मुझे डस के चला, हाँ, कहता और सुनो मैं क्या करता हूँ, मैं बार बार जाता हूँ हमारे, अगर आप मठ जाएंगे ना रूप सनातन, दो दरवाजे हैं, दोनों पे नीला पेंट हुआ हुआ है, और ये भी जो प्रभु जी रहते हैं ना वृंदावन में, इनके घर पे भी नीला ही पेंट है। कहते मैं इन नीले दरवाजों पे बैठा रहता हूँ, और एक और बात सुन लो, आप डरना मत का जी, ठीक है, आप मत डरना, ठीक है, मैं थोड़ा सा डर गया था। हुआ क्या था, वो ये कहने लगा कि मेरे जैसे बहुत सारे उस गेट पे बैठे हैं वृंदावन में। तो एक बार तो रात को 12 बजे घुसते वक्त मुझे भी लग रहा था भाई यहाँ तो बहुत बैठे हैं, और कहता मम्मी धक्का मार मार के भगा देते हैं कि तू कैसे घुस रहा है, हमें इतने साल हो गए यहाँ बैठे बैठे इंतजार करते हैं कि कब हम पे कृपा होगी, कब हम पे कृपा होगी। तो अब ये प्रभु जी को ये स्टोरी पता चली, तो कह रहे एक बार को तो विश्वास नहीं हुआ पर थोड़ा सा दिल भी धड़क रहा था कि कह रहा है एक नीला दरवाजा, वो कौन सा मठ का मैं वहां बैठता हूँ, या एक नीला दरवाजा प्रभु जी का जहाँ मैं बैठता हूँ। तो प्रभु जी कहते दोपहर का समय था, मैंने प्रसाद पाया था और मेरे को ऐसा लग रहा था अरे दूसरा नीला दरवाजा मेरा एक बार ट्राई तो करूं। तो कहते बिना थाली धोए ना मैं ऐसी बाहर चला गया और थोड़ी हिम्मत करके मैं बोला, उसका नाम मैं बच्चे का भूल गया, कहते मान लो छोटू है, तो कहते छोटू खुद ऐसे कर रहे थे, कहते मैंने कहा छोटू अगर तू यहाँ पे है तो कुछ इशारा कर दे कि तू यहाँ पे है। कहते प्रभु जी उसके बाद जो हुआ ना मैं बता नहीं सकता, मेरी स्कूटी बाहर खड़ी थी, चाबी अंदर टंगी थी, उसकी इंडिकेटर चलने लगा। कहते तब हमें समझ में आ गया, कहते फिर वो अपनी बहन पे आया ना, तब हमने उससे पूछा बता तेरे लिए क्या किया जाए, चल हमसे गलती हुई, हम तुझे हरिनाम नहीं दिला पाए, हम तुझे ये कंठी तेरे गले में नहीं डलवा पाए, तुझे बचा नहीं पाए, पर अब क्या करें। कहते देखो मेरे जैसों की लाइन लगी पड़ी है, दर दर ठोकरे खा रहे हैं, समझना देखा प्रेत उन्हीं कैसी है, वो खुद बता रहा है इतनी भीड़ लगी पड़ी है, अरे शरीर तो दूर की बात है, ऐसी बुरी हालत मची हुई है, तो आप मेरे लिए एक कृपा करो कि जब भी गुरुदेव की, गुरुदेव कह रहा है वो कि जब भी गुरुदेव की भागवतम होगी ना उसमें मेरी फोटो रखे ना, बस मैं भागवतम वहीं बैठ के उसी फोटो में बैठ के आके सुन लूंगा, मुझे उनकी कृपा हो जाएगी और पक्का देखना मेरे को शांति मिलेगी। वो दिन है आज का दिन है और उस बच्चे की कोई खबर नहीं सुनी, भागवतम में उसके फोटो लगा के उसने भागवतम सुनी मारा। देखो ये महिमा है ऐसे संत, ये तो बहुत सारी स्टोरी है, ये तो भागवतम एक तरफ हो जाएगी अगर हम महिमा सुनाने लग गए। ये बैठे हैं प्रभु जी महाराज जी इनके सामने, तो ऐसे ऐसे बच्चे आके खेल रहे, वो कह रहा है मुझे हरिनाम दो, भूत कह रहा है जिसपे आया वो नहीं, भूत कह रहा है कि मैं हरिनाम लेके ही जाऊंगा तभी जा पाऊंगा। तो अभी तो आप भूत नहीं बने ना,
क्या भूत बनने का इंतजार करना है? ना कौन सा है जो भूत बनना चाहता है पहले? अरे जीते जागते ले लो, जीते जागते कर लो, तो क्या होगा फिर? यहाँ से क्या होगा? यहाँ से कोई प्रेरित होनी नहीं मिलेगी सीधा। अगर भजन में कुछ कमी रह गई तो भगवान अगले जन्म में भक्तों के बीच में जन्म देंगे, भक्तों के घर में जन्म देंगे, और जो भक्ति अधूरी रह गई है आप वो भक्ति पूरी करके कहाँ जाएंगे? सीधा भगवान धाम को। बोलो गौर प्रेमानंद वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज के आनंद हरे कृष्णा। इसका नाम लाइव पहचान है, खड़े हो गए ना आप? हाथ उठा कर बोलो, बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। सबसे पहले गुरुपाद पद्मों को प्रणाम करता हूँ, तत्पश्चात समस्त वैष्णव वैष्णवी को चरणों में अगम पे रखा जो कि धन्यवाद प्रणाम स्वीकार हो। 7 दिन से हम कथा श्रवण कर रहे हैं, कम से कम कथा से जो गुरु महाराज जी बताए जो 4 चीज, तुलसी सेवा, विग्रह सेवा, एकादशी निष्ठा और ये नाम, ये 4 चीज को हम ग्रहण कर लिया तो मानो 7 दिन में जो 3-3 घंटा बैठ के कथा श्रवण कर रहे हैं ना, ये सार्थक हो, ये हमारा सफल हो जाएगा। तो देखो थोड़ा सा ये हरि नाम का महिमा में बता देता हूँ। हमारे हिंदू सनातन धर्म में अगर किसी का कभी मृत्यु हो जाता है तो 4 व्यक्ति उसको कंधे पे उठा करके ढो करके उसको क्या बोलते बोलते ले जाते हैं बताओ तुम? राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, सब कुछ बात झूठा है, गोपाल नाम सत्य है, ये सब कहते कहते ले जाते हैं। तो एक समय किसी एक घर के एक छोटा बच्चा बाहर खेल कूद कर रहा था और सुबह की टाइम था, और इतने में क्या हुआ कि उसके घर के सामने गली में कोई एक व्यक्ति का मृत्यु हो गया, और मरने के बाद उसको 4 व्यक्ति ढो करके राम नाम सत्य है राम नाम सत्य है घर घर के लेके जा रहे। अब बच्चे ने देखा भाई ये हो क्या रहा है, छोटा बच्चा उसको तो पता नहीं वास्तव में चीज क्या है, कोई मर गया और उसको पता भी नहीं कि मरना क्या होता है। इतने में जैसे बच्चों का एक स्वभाव होता है कुछ चीज़ अगर सुन लेते हैं एक बार दो बार तीन बार तो उसको बार 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 बोलना शुरू कर देते हैं, तो उसने भी बोलना शुरू कर दिया, बोले राम नाम सत्य है राम नाम सत्य है। घर के बाहर तो बोल रहा था तो सही है, घर के अंदर आ गया, सुबह सुबह बताओ घर में अगर कोई बच्चा राम नाम सत्य है बोल दे तो क्या हुआ? सबके साथ गुस्सा करेंगे, मैया तो बोलने पिटेगा। तो घर में आके ही कुछ खेल कूद कर रहा है और मुंह में बोल रहा है राम नाम सत्य है राम नाम सत्य है। इतने में उसके मम्मी उसके मैया किचन में थी, दौड़ करके पूरा दौड़ करके भाग करके आए, पापा स्नान कर रहे थे वो भी दौड़ करके बाथरूम से आए, बोले ये नाम नहीं लेना है, जो मुंह में बोल रहे हो उसको नहीं बोलना है। बोले बाहर तो सब लोग बोल रहे, पापा पापा बाहर देखो सब लोग बोल रहे हैं, सबके सब राम नाम सत्य है बोल रहे हैं, बोले मैं क्यों नहीं लूँ? अरे बेटा जो जो मर जाते हैं मरने वाले के लिए ये नाम बोला जाता है। बोले अच्छा, बोले मरना क्या होता है? बोले मरने के बाद और कुछ भी काम नहीं करता उसको शरीर, वो जाके दाह संस्कार आदि करते हैं उसका शरीर और कुछ भी काम में नहीं आता, उसका शरीर कुछ काम में नहीं आता। तो उसके बेटा ने पूछा कि पापा सब चीज़ तो मुझे समझ में आ रहा है लेकिन एक चीज़ समझ में नहीं आ रहा है। बोले क्या? नहीं, 4 लोग सब लोग कह रहे हैं, सबके सब कह रहे हैं लेकिन ऊपर जो लेटा हुआ है वो नहीं कह रहा है, वो चुपके चुप है, सब तो कह रहे हैं लेकिन ऊपर जो लेटा हुआ है वो कुछ ही नहीं कह रहा है। तो बता रहे हैं कि देखो जो पापा बोलते हैं बेटा दे, जो व्यक्ति मर जाता है ना जिसके शरीर में और कुछ भी काम के लायक नहीं बच जाता कोई व्यक्ति राम नाम नहीं ले सकता। तो बेटा कह रहा है कि हम भी मर गए, कितनी अच्छी बात है। वो बेटा कह रहा है कि हम भी मर गए क्योंकि जो आपने तो अभी बोला कि जो मुर्दे हुए व्यक्ति जो मरे हुए व्यक्ति जिसके शरीर कभी भी कुछ काम के लिए लायक नहीं बचता वो केवल भगवान के नाम नहीं ले सकते। तो बेटा पूछ रहे कि हम भी मर गए हैं?
तो देखो ये भगवान के नाम जो लोग नहीं लेते शास्त्र में इनको मुर्दा समान कहा गया है। इसीलिए कली काल में तो केवल भगवान का नाम ही इतना सरल रूप में भगवान ने प्रदान कर दिया, हम लोग हवन नहीं कर सकते। आप बोलोगे तो हम लोग तो हवन करते हैं, हम तो पंडित जी को बुला के हवन करते हैं। बोलो सब चीज़ शुद्ध मिलता है इस जमाने में? सब चीज़ शुद्ध मिलता है क्या? हर चीज़ में मिलावटी है, तो आपके हवन भी सफल नहीं होगा। हम बोलोगे ध्यान भी कर, हम ध्यान कर लेंगे, हम बड़े बड़े मेडिटेशन करेंगे, लेकिन ध्यान किस चीज़ का करोगे? जो मोबाइल व्हाट्सएप में देखते रहते हैं आँख बंद करते ही वही चीज़ ध्यान में आएगा। जो लड़के लोग, जो भैया लोग, जो माताएँ सास बहू की लड़ाई टीवी शोज देखते हैं, कोई बड़े सुंदर सुंदर मूवी गाना आदि सुनते हैं, आँख बंद करते ही वो सब याद आने लगेगा, होता है कि नहीं? तो हम ध्यान भी नहीं कर सकते। पहले ज़माने में तो सत्ययुग में हिमालय में जाके बद्रीनाथ आश्रम में बर्फ़ पे बैठ बैठ के बिना खाए पिए ध्यान करते थे। अब बताओ कली काल के जीव हम कितने देर नहीं खा के, कितने घंटे, दिन नहीं, कितने घंटे हम नहीं खा करके रुक सकते? हम तपस्या कर सकते हैं पर हम तपस्या भी नहीं कर सकते। ऐसा स्थिति हो गया यहाँ, कैन बंद कर दो तो सबके सब यही बात क्या, ऐसा स्थिति है। तो बता रहे हम तपस्या नहीं करते हैं, हम हवन भी नहीं कर सकते हैं, और बता रहे हम पूजा पाठ भी नहीं कर सकते। आप बोलोगे हम तो घर बैठे बढ़िया सुंदर से पूजा पाठ करते हैं, ठाकुर का आरती करते हैं। यहाँ बैठे हुए जितने माता जी को एक प्रश्न पूछ रहा हूँ, आप घर में आरती कर रहे हो और घर में आरती करते करते अगर फोन में फोन बज गया तो कितने माता जी फोन उठाने के लिए देखने के लिए दौड़ेंगे? दौड़ते हो कि नहीं? अर्चन कर रहे हो, पूजा कर रहे हो, घर के सामने से कोई अगर बारात जा रहा है तो मन कहाँ जाएगा? बाराती में ऑटोमेटिकली चला जाएगा। कली काल के बद्ध जी वो निश्चित रूप में चला जाएगा। अगर किसी पड़ोसी में लड़ाई हो रहा है तो पूजा बाद में रखोगे, खिड़की से झांकने लगोगे भैया क्या हो गया है, होता है कि नहीं? तो इसीलिए हम अर्चन भी नहीं कर सकते। बोल कलो तद हरि कीर्तना। कली युग में केवल एक ही चीज भगवान ने दिया, कली युग केवल नाम आधारा सुमिर सुमिर नर उतर पारा। ये नाम का इतना महिमा है, किसी भी स्थान पे किसी भी समय पे न स्थानो नियम अस्मिन न कालो नियमस्त था न उच्चिष्टादो मुखे अस्मिन हरि नामानु कीर्तनम। हर समय पे देश काल पान स्थान पात्र का कोई विचार नहीं, शुद्ध अशुद्ध का कोई विचार नहीं, बस हाथ उठाओ और हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 संकीर्तन की जय। खाली मजा सुनते हैं। देखो हम लोग ने ये 7 दिन तक कथा सुनी, कितना दिन तक कथा सुनी? अभी प्रश्न है हम ये 8 दिन क्यों नहीं सुनते हैं, ये 9 दिन तक क्यों नहीं सुनते हैं, ये 7 दिन ही क्यों सुनते हैं? ध्यान देकर सुनाओ, एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, इसको बाद में सबको मैं पूछूंगा, जो बोलेगा उसको इनाम दूंगा, जो नहीं बोलेगा ना फिर खड़ी कर दूंगा उसको। हम लोग 7 दिन की कथा सुनते, इसको अच्छे तरह से सुनाओ। तो एक समय कोई एक संत किसी राज दरबार में राजा से मिलने आए और दरबार से बोले अंदर में राजा क्या है? बोले है। बोलो बोलो 1 मिनट, कोई संत आए हैं, कोई जरूरी काम है। बाबा राजा ने सोचे बाबा लोग क्यों आए, और कुछ पैसा लेने के लिए भिक्षा लेने के लिए आएंगे? तो उन्होंने 5-1 रुपया भेज दिया। संत बोले मैं पैसा लेने नहीं आया हूँ, कोई जरूरी काम को ले करके आया हूँ। राजा सोचा से आप बन नहीं भरा होगा, फिर 1101 रुपया भेज दिया। 1000 ध्यान देखो सुन, तुम लोग कहीं पूछ पाते हो इसलिए, लेकिन तब भी संत नहीं लिए, बोले हम तो 1 मिनट कोई जरूरी काम में आया हूँ। राजा बोल दिए मेरे पास में कोई समय नहीं संत से बात करने के, सोचा उसको पत्नी को पास में जाऊँ, रानी को पास में। जब रानी को पास में गए बोले अंदर में महारानी क्या है? बोले है। बोले उनको बताओ कोई संत 1 मिनट बात करना चाहते हैं। माताओं का दिल बड़ा कोमल होता है। देखो कथा सुनने के लिए पुरुष लोग जाता है ना, माताएं ना जाता है? अरे बोलो हाँ, इसलिए वृंदावन में कोई कृष्ण का नाम नहीं लेते, किसका नाम लेते हैं? हाँ तुम लोग राधा रानी के सब भक्त है, अताली भी तुम लोग। इतने इतने में
सोचे रानी को पास में जा। जब रानी को पास में गए तो कोई संत एक मिनट मिलने के लिए आ गए। रानी बोले बाबा अंदर में ले आओ। बैठाया, आदर दिया। बोले बाबा क्या सेवा करें? बोले रानी मैं कोई विशेष जरूरी काम लेकर के राजा से मिलने आया था एक मिनट, लेकिन राजा मिले नहीं। बोले मुझे बताओ ना, मैं सेवा कर दूंगी, क्या चाहते हो? बोले महारानी कान खोल कर सुनो ध्यान से, मैंने भजन करते करते अपना भजन का प्रताप से मैंने देखा जो राजा है ये 7 दिन में मरने वाला। कितना दिन में? ये 7 दिन में मरने वाला। अभी अभी घर में शादी होकर हो गई, अभी अभी राजा राज सिंहासन में बैठे, अगर कोई बोल दे तुम्हारे पति 7 दिन में मर जाएगा, बताओ क्या होगा? और सुनते तो आधा ही मर गई। तुम क्या बोल रहे हो? ये क्या सत्य? बोले ध्रुव सत्य हो। मैं तो इतनी सी बात राजा से बोलने के लिए आया था, लेकिन राजा हमसे मिले ही नहीं है। राजा को बोल देना मैं जा रहा हूँ। रानी इतने घबरा गई और एक दासी को भेजा, बोले अभी अभी राजा को बुला करके लाओ। रानी अभी अभी बुला रही है। देखो कोई संत आ करके इतने नाच वाले इतना तेज कर भाई तेज कर इतना तेज कर दो। इसलिए अभी संत आ करके गिड़गिड़ाते हुए चले गए, राजा को पास में एक मिनट नहीं हुआ। लेकिन जब सुना रानी बुला रही है, नई नई शादी हुई ना, चंद्रमुखी है अब तो सूर्यमुखी ज्वालामुखी बनी नहीं है, इसलिए नई नई शादी। राजा जब सुना रानी बुला रही ना, सारे काम को फेंक फांक भगे। बोले राजा रानी आते रानी डांट लगाई। बोले कोई संत गए थे मिलने के लिए? बोले हाँ। बोले मिले हो? बोले मैं राजकार्य में बड़ी बिजी था। बोले महाराज घर में जब कोई संत आते हैं समझना कि ठाकुर जी हमें चेतावनी देने के लिए आए, समझाने के लिए आए। कोई संत आए तो समय नहीं था, मैंने बुलाया तो भाग के भागते आ गए। बोले ये बात बता दो क्या बात? बोले थोड़ा जरूरी बात है, वो जो संत ने अपना दिव्य दृष्टि से देखा है आप 7 दिनों में मरने वाला है। अगर किसी राजा को बोलो अभी अभी राजा से कहो बोल तो क्या होगा? अगर हम सुनेंगे तो क्या होगा? आधा ही मर जाएंगे। बोले क्या बोल रहे हो? बोले बाबा तो यही बताना चाह रहे थे, वो अपना भजन करते करते दिव्य दृष्टि से देखा। बोले बाबा गए ना? बोले अभी अभी गए। बुलाया सिपाही को, बोले जल्दी जल्दी बात है बाबा को लेकर के आओ। जब लाए बड़े आदर पूर्वक बैठाए, प्रणाम किए। बोले बाबा आप बताए मैं 7 दिन में मरने वाले? बोले हाँ बाबा आप 7 दिन में मरोगे। कहते ये क्या ध्रुव सत्य? बोले ध्रुव सत्य है, 7 दिनों में ही आप मरने वाले हो। राजा तो घबराए। बोले घबराने का कोई बात नहीं, आपने बहुत दान पुण्य की इसलिए आपको अपने स्वर्ग की प्राप्ति होगी। बोले महाराज वहाँ पर सारे सुख सुविधा मिलेगी, लेकिन एक कमी है, वहाँ पर बहुत बड़े बड़े मच्छर है, रात में जब सोए तो वो काटते रहेंगे, सोने नहीं देंगे। बोले फिर बोले चिंता मत करो, वहाँ मच्छरदान का व्यवस्था है। बोले मच्छरदान वहाँ पर है? बोले हाँ। लेकिन बोले महाराज और भी एक कमी। बोले क्या? बोले इसकी कोड़े में एक छोटा सा छेद है, उधर से मच्छर घुसने का चांस। बोले बताओ क्या करे? बोले जब आप मरोगे ना, साथ में एक सुई धागा ले जाना, उसको सिलाई करके बस आराम से सोओगे। बोले बाबा मरते समय तो यहीं पर जला देंगे, सुई धागा कैसे ले जाऊंगा? बोले क्यों? जिस राज्य में इतने बड़े राज्य है, तुम इतने बिजी हो, कोई संत आने पर भी एक मिनट का समय नहीं, यहाँ से क्या तुम यह सुई धागा नहीं ले जा दे सकते हो? बोले कैसे ले जाएंगे, यहीं पर तो जला देंगे मेरे को, यहीं तो मर जाऊंगा। बोले महाराज मैं आपको केवल इतनी सी बात समझाने के लिए आया था, जिस राज्य में तुम इतने बिजी हो, शरीर छोड़ते ही एक सुई धागा भी यहाँ से नहीं जाएगा। बोले ये बताओ जब मरते हैं चार व्यक्ति कंधे पर ले जाते हैं, क्या बोलते बोलते ले जाते हैं? बोले बोलते हैं राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य, सत्य बोले गत्य है, सब कोई बात होता। बोले बेटा इसका मतलब क्या होता है? बोले जितना राम कृष्ण का नाम लिया वही सत्य है, इसके सिवाय तुमने दुनिया में जो कुछ किया झूठे में बिताए। बोले महाराज ये बताओ सत्य के लिए कितना समय देते हो और झूठे के लिए तुम कितने समय दे रहे हो?
तो वो झूठे के लिए कितने जब कह रहे हो ना जगत में सब झूठा है उसके लिए कितना समय देते हो और जो सत्य है जो साथ में चलेगा उसके लिए तुम कितने समय देते हो। मैं तुमको इतनी सी बात समझाने आया था बेटा, भगवान की नाम के सिवाय यहाँ से एक सुई धागा भी तुम यहाँ से उठा कर भी नहीं ले सकते हो। तो जानते हो बाबा ने किया क्या? बोले महाराज लो ये माला खोले, राजा को पकड़वाए। बोले जब काम के लिए जाओ प्रभु का हरि नाम करके जाओ, भगवान के नाम को लेकर के जाओ, क्योंकि यही तुम्हारे साथ में जाने वाले है। बोले महाराज ध्यान देकर सुना, आप भी सुना ध्यान देकर के, इसमें एक रहस्य बात है, आप ये चीज में समझो। संत ने ये नहीं बताया था तो 7 दिन बाद में मर जाओगे, ये नहीं बताया था। क्या बताया था? 7 दिनों में मरोगे, ये चीज को समझो। उन्होंने ये नहीं बताया था 7 दिन बाद में तो मर जाओगे, क्या बताया था? 7 दिनों में एक ना एक दिन मरोगे। मतलब क्या? जब हम मरेंगे ये दिन 7 ही दिन 8 नहीं है, रवि सोम मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि, ये 7 दिन है। जब आप शरीर छोड़ेंगे उसमें एक ना एक दिन शरीर छोड़ेंगे 7 दिन को अंदर में। जब ये चीज समझाए ना राजा तो क्या सोच रहा था 7 दिन बाद ही मर जाऊंगा, लेकिन ऐसे बात उन्होंने नहीं बताया। क्या बताया था? 7 दिनों में। जब ये बात समझाए ना राजा का शरीर में 2 बार प्राण आ गया, प्राण 2 बार आ गया। क्यों? बोला 7 दिन बाद मर जाएगा, लेकिन मरेगा नहीं, 7 दिनों में एक ना एक दिन मरेगी, लेकिन उसी समय में साथ में क्या जाएगा? हरि का नाम ही साथ में चलेगा। राजा का जीवन परिवर्तन हो गया, राजा ये माला लिया, बोले बाबा आपके चरण में गिर पड़े। बोले बाबा आज मेरे को तुमने दिव्य ज्ञान प्रदान किया, आज मैं प्रतिज्ञा करता हूँ जब मैं काम में जाऊंगा प्रभु का भजन करते हुए जाऊंगा और जो कुछ करूंगा ठाकुर को सेवा मान कर करूंगा। हाथ में काम करो, घर में झाड़ू लगाओ। कहाँ झाड़ू लगा रहे हो? बोले भगवान की मंदिर में। और हाथ में झाड़ू लगाओ, मुंह में ठाकुर का नाम लो, रसोई बना रहे हो इसके लिए रसोई बनाते हो, ठाकुर जी को भोग लगेगा इसलिए रसोई बना रहे हो। गोपियाँ घर में ही थी, गोपियाँ कोई त्यागी संत नहीं, वो घर में थे। भागवत में जितने कथा सुनोगे ना गृहस्थी का कथा है, परिकृत महाराज गृहस्थ, अम्बरीश महाराज गृहस्थ, भरत महाराज गृहस्थ, गृहस्थ सब कथा है। मतलब घर में रहते भी हम कैसे ठाकुर जी की भक्ति कर सकते हैं, इसलिए सारे काम करो लेकिन ठाकुर को सेवा मान कर करो। और हाथों में काम और मुंह में ठाकुर जी की, जोर से बोलो, इतने से चीज गांठ बंद कर ले जाओ, ठीक है ना? हाथों में काम और मुंह में ठाकुर जी की, बस बेड़ा भारी, इतना ही करना कुछ नहीं करना, ठीक है ना? इसलिए हरि का नाम लेकर करना सबके सब, इसलिए ये 7 दिन की कथा है। कितना दिन? 7 दिन है। और 7 दिन में एक ना एक दिन शरीर छोड़ना हमें, लेकिन 7 में क्या जाएगा? भगवान की नाम ही जाएगा, ठीक है? इसलिए जाते समय एक एक माला लेकर ही जाओ। देखो आज की जो कथा है, ये जो कथा को देखो, इधर सुनो, पता नहीं बैठी जाओ, क्यों खड़े होती हो? सिनेमा 3-3 घंटा देखती हो, कथा में कुछ बच रही, बैठो। माता है वहीं पर, आगे बताओ वहीं पर बैठ जाओ, आगे बताओ वहीं पर बैठ, वहीं बैठ बैठो, वहीं पर यहाँ बताओ। आप देखो ये भागवत जो कथा है, ध्यान देखो सुना, ये जो भागवत कथा है हमारे श्री, इधर सुनो, जो बाबू जी, क्या नाम बाबू जी? श्रीनिवास गुप्ता। नाम बढ़िया नाम है, श्रीनिवास मतलब क्या है? भगवान नारायण का नाम है, जहाँ पर श्री का निवास है वो श्रीनिवास है। कहाँ है बापू जी? अगर हो तो इधर आ जाओ। और इनके धर्म पत्नी श्री माधवी देवी, क्या नाम? पहले माधवी देवी, मीना देवी, लेकिन मैंने माधवी देवी का नाम दिया। देखो ठाकुर जी को पैसा भी दिया, दीन भी दिया। बहुत लोग को हम देखते हैं इतने पैसा देकर कोई कमी नहीं, लेकिन कोई सत्कर्म में नहीं लगा, सत्कर्म में नहीं लगाते हैं। लेकिन ये ऐसे परिवार केवल पति पत्नी नहीं, इनका जो बेटा राहुल है और एक का नाम ब्रजेश और क्या नाम बीपी, भगवान अतुल, भगवान एक बेटे को तो उन्होंने संत बना दिया, बोले जाओ वृंदावन में रहो। लेकिन इनका जो बच्चे है ना, पता नहीं पुराने घर में क्या चीज है, इतने सेवा की वृद्धि हम देख लेना, रोसे खुद बना रहे हैं, परिवेश में कर रहे हैं, साफ करते हैं,
और भगवान इनको पैसा भी दिया है और दीव भी दिया, और इन्होंने ये जो अशोक नगर में जो भागवत कथा में लोग जुड़े हैं इनकी वजह से जुड़े हैं, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे बुला करके पहले ये भागवत कथा करवाया और इसी कथा से ही धीरे धीरे यहाँ जुड़े हैं। अभी जो अशोक नगर भक्ति की जो माहौल इनकी वजह से, आप इनके लिए जोरदार ताली बजाओ। ठाकुर जी खूब इनके पैसा दे और शक्ति दे और खूब बल दे। आप जैसे हमारे मंदिर में अगर आए ना भाई, बोले मंदिर में जो ठाकुर आएगा बोले हमारे तरफ से ठाकुर जी आएंगे, हमारे तरफ से इतना नहीं ठाकुर जी वहाँ के सीमेंट और ईंट के लिए भी मैंने पैसा दिया है, इसलिए था। और ये जो पैसा एकट रखकर रखती है ना, ब्रजमंडल परिक्रमा में आएगी, झूला में आएगी, सब बोले हमारी तरफ से भंडारा है, हमारी तरफ से भंडारा हमारी तरफ से। इसलिए देखो पैसा की पैसा लक्ष्मी है, लक्ष्मी कब पास में आती है, जब ये लक्ष्मी नारायण की सेवा में लगे। अगर ये लक्ष्मी नारायण की सेवा में नहीं लगती है ये घर में कभी भी सुख शांति नहीं होती, वो लक्ष्मी खुश नहीं रहती, था खुश नहीं रहेगी। इसलिए हम इनके लिए ठाकुर जी को प्रार्थना करते हैं, ठाकुर जी उनके परिवार को खूब शांति सुख दे, खूब आनंद मंगल में रहे और खूब परिवार जैसे भक्ति करे। और ये भागवत कथा को अभी जैसे कोरोना आ गई थी ना, इसलिए 2 साल तक नहीं हो पाए, और इनकी जो पत्नी मेरे को बोले मेरे बाप गुरु जी कब हरिना कब कथा होगी कब कथा होगी, मैंने कहीं जाकर देख लो पहले जहाँ कथा होती थी वहाँ पर तो दीवार आ गया, सब इन्हें ढूंढे ढूंढ करके धने हमारी ब्रजेश और राहुल बल एक स्थान है, इसलिए बल यहाँ पर एक स्थान है, यहाँ पर स्थान आप कर सकते हो। मैंने कहा कितने भक्त बैठ सकते हैं, बोले 250 लोग तो बैठ सकते, बोले कोई बात नहीं बात रहा। इसलिए जो घर का जो मालिक श्री पशु प्रभु जी और इनका जो माता जी देखो बैठ बहुत अच्छी गुजरी है, और धर्मपत्नी का नाम क्या, अरे बोल भी क्या सुदेश, और इनके भी क्या तुम इनकी क्या तुम क्या लगती हो। हाँ इसलिए देखो इन लोगों ने ये कथा के लिए ये स्थान दिया है, है अशोक जी है क्या, कहाँ है अशोक जी, इसलिए आप इनके लिए भी जोरदार ताली बजाओ। ठाकुर जी हमको सद्भावना दे, है कई सद्भावना दे, जहाँ पर भागवत कथा हो पृथ्वी का सारे तीर्थ वहीं पर आते हैं, घर का सारे अमंगल दूर हो जाता है। और है ये कथा में है कुछ भक्तों लोगों ने कोई तन से कोई मन से कोई धन से लोगों ने कथा किया है, जिन लोगों ने किसी न किसी तरह से ये कथा में मदद किया, और यहाँ तक भी जो कथा में आए हैं हम इन सभी के लिए ठाकुर जी को प्रार्थना करते हैं, ठाकुर जी उनको खूब भक्ति दे और जीवन में खूब इनको शांति सुख दे। इसलिए और कथा में देखो कथा में सबसे बड़ी क्या चीज जानते हो, जो श्रोता है ये श्रोता सब परिकृत है, ये सब परिकृत है। अगर सुखदेव गोस्वामी होते परिकृत नहीं होते कथा हो सकती थी, नहीं है। इसलिए आप लोग ने घर की ऐसी बढ़िया स्थिति को छोड़ करके यहाँ पर 2-2, 3-3 घंटा आप लोग कथा सुने हो, इसलिए आपके लिए आप लोग जोरदार ताली बजाओ जो यहाँ कथा सुनने के लिए आए हैं। और ये कथा में हमारे माइक वाले भैया, ए माइक वाले कहाँ हैं, ये बहुत अच्छे हैं, ये माइक वाले भैया बहुत अच्छे हैं, इन लोगों ने बहुत अच्छे तरह से माइक लगाए, अब ये माइक वाले भैया के लिए भी ताली बजाओ। आज ये कथा में हमारे साथ में यहाँ पर आए हुए जो म्यूजिक में कहाँ गए, श्याम दास जी, श्याम बाबू के भी ब्रजवासी है, और हमारे श्री श्रीकांत प्रभु जी जब पैर बजाए, और सुधा भैया जोरदार ताली बजा। और इन कथा में हमारे श्री गौर सुंदर प्रभु जी, श्यामानंद प्रभु जी, रोहिणी सुंदर प्रभु जी, और श्री श्री क्या नाम, संजय। इसलिए दामोदर प्रभु जी लोगों ने हर तरह से मदद की, हम इनके लिए भी ताली बजा उनके लिए। और इसमें जो प्रसाद बताए बड़े सुंदर प्रसाद, अच्छा लगे कि नहीं आपको, अच्छी लगी प्रसाद, जितना जोर से अच्छी लगी ना प्रसाद, बना रहे इनका नाम भगवान दास, नाम भी भगवान बढ़िया बढ़िया नाम दिया है। और देखो देखो
हरे कृष्ण। इसलिए ये कथा में हैं, ये कथा में जैसे मैंने भी कथा सुनाया मुझे भी कुछ देनी चाहिए क्या बताने का यह नहीं। इसलिए मेरे का आशीर्वाद दो, मेरे का आशीर्वाद दो, क्या आशीर्वाद दो, अभी को साधु संत की सेवा कर सको, आप लोगों को सेवा कर सकूं, ये मैं आशीर्वाद दो। और गुरु वैष्णव के अनुगत्य में, संतों की अनुगत्य में जैसे जिंदगी भर आप लोगों की साधु संतों की सेवा कर पाऊं, ये मेरे को सबके सब आशीर्वाद देना। अभी ये देखो ये कथा में कुछ आज लोगों ने प्रसाद दिया है, कुछ कुछ लोगों ने ये अनाउंसमेंट कर। हरे कृष्णा, आज के जो प्रसाद की सेवा वो श्री अनिल कुमार गोयल एडवोकेट जी हैं और उनके परिवार की तरफ से भी और नाम में खातू नाम श्री जी की रंजना रिंकी जी है, उन्होंने भी आज के प्रसाद में सेवा की है। गणेश नगर से इंदू गोवा और प्रीति गर्गी ने भी सेवा की है। हरे कृष्णा, अभी हमारे कृष्ण रुक्मिणी आ रहे हैं, कृष्ण रुक्मिणी आ रहे हैं, अभी इनकी शादी होगी, उसके बाद में कुछ नाचना साथ बरात में, ठीक है, और लास्ट में हाँ होली भी लाए हो, कुछ फूल लाए, रंग लाए हो, रंग लाए ठीक है। अच्छी बात, जब कीर्तन हो ये लोग हाँ, जिन लोगों का नाम लिया प्रसाद के लिए आप थोड़ा आगे आ जाओ, अब यहाँ से एक माला ले जाओ, जिन लोगों का नाम लिया माला ले जाओ, लेखा का भी यहाँ रखना चाहिए। हरे कृष्णा, जिन लोगों का आज प्रसाद की सेवा की जिनका नाम ली वो आगे आ जाओ और कृष्ण रुक्मिणी को ले आओ। बाबू जी कृष्ण रुक्मिणी कहा है, आपको ले आओ, हरे कृष्णा, ये माला लाए हो, जप करने वाला। हरे कृष्णा, अब देखो जो माला लेना चाहते हो, जो माला लेना चाहते हो जप करने के लिए, जो लिए नहीं जो लेना चाहते हो, कौन लेना चाहते हो हाथ उठा दो, हाथ उठाओ, मतलब एक एक इधर आ जाओ, ले जाओ एक एक माला ले जाओ और अपना नाम और एड्रेस को नाम और फोन नंबर दे जाने खराब कर निकालो और तुम वहाँ नाम लिखवा दो, ठीक है। हरे कृष्णा, जो देखिए आप लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं जो कि आपने परम वैष्णव महाराज जी के मुख से आपने और 7 दिन तक कथा श्रवण की। कथा का नियम होता है जब कोई भी हम घर में यज्ञ कराते हैं, पंडित जी आते हैं, तो उनको यज्ञ की पत्नी का नाम होता है दक्षिणा, तो दक्षिणा देकर के ही यज्ञ को संपन्न माना जाता है। तो कथा का नियम ये है, परिचर ने भी सुखदेव जी का पूजन किया था, तो आप लोग आकर के सभी बारी बारी से मंच पर आएंगे, एक साथ बताना, भीड़ भाड़ मत करना, और आकर के सभी महाराज जी का पूजन करेंगे और जिनको जो भी पत्र पुष्प अर्पण करना है वो भेंट स्वीकार करेंगे अपनी, उसके बाद फिर अपनी जगह पर बैठ जाएंगे। हरे कृष्णा, लास्ट में ये जो चावल है सुदामा जी की, जाते समय में आपको थोड़ा थोड़ा चावल दूंगा, ये चावल को ले लेना और लाल कपड़े में बांध करके उसमें एक सिक्का रख करके अपना मंदिर में जैसे तेजोरी में उसमें रखना, कहते माँ लक्ष्मी की वहाँ निवास होती है, जाते समय थोड़ा थोड़ा चावल ले जाना, ठीक है, जाते समय ले जाना, कभी वहीं पर बैठो। और जो माला लेना चाहते हो हरनाम करने के लिए वो आकर के एक माला ले सकते हो उस समय, जो माला करना चाहते हो। और जो आज जो प्रसाद का जो नाम लिया है वो लोग इधर आ जाओ और ये एक एक माला ले जाओ, आज जो प्रसाद के आजा माला भी लेना चाहते हो। इनका नाम लिखवा, नाम कह रहे हैं, नाम लिखवा,
अरे जगह मेरे गला मेरे पेन देखो हाँ चल Thank you.